अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं दानिश जावेद आज फिर आपके हर दिल अजीज़ प्रोग्राम हालात में आपका इस्तकबाल करता हूँ। हमेशा की तरह आज भी हम एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक लेकर आए हैं, वुमेन सेफ्टी यानी महिला सुरक्षा। इस सब्जेक्ट पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे पहले पैनलिस्ट हैं सुधाकर सोराटकर जी, आपका इस्तकबाल है। सुधाकर सोराटकर जी महाराष्ट्र पुलिस के रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं और अपनी ईमानदारी और अपने सख्त फैसलों के लिए पूरी महाराष्ट्र पुलिस में बहुत मशहूर रहे हैं। दोस्तों हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं मशहूर इस्लामिक स्पीकर और ह्यूमन एक्टिविस्ट जनाब जैद खालिद पटेल साहब। जैद खालिद साहब आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। जैद खालिद साहब आज का हमारा टॉपिक हम इस पर आपसे गुफ्तगू करेंगे। और हमारे तीसरे पैनलिस्ट हैं दोस्तों MH पाशा साहब, मशहूर जर्नलिस्ट हैं, मशहूर फिल्म राइटर हैं और कई NGO से जुड़े हुए हैं, समाज के कमज़ोर तबकों के लिए बहुत ज़माने से काम कर रहे हैं जनाब MH पाशा साहब। MH पाशा साहब आपका इस्तकबाल है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन जैसा कि मैंने आपको बताया आज का हमारा टॉपिक है वुमेन सेफ्टी और मैं तीनों माहरीन से, क्योंकि तीनों माहरीन हमारे पैनल पे जो मौजूद हैं समाज के अलग अलग हिस्सों से आते हैं और इन्होंने समाज को बहुत करीब से देखा है और इस समाज में औरतों पर होने वाले जुल्म या औरतों के साथ की जाने वाली ज्यादतियों को बहुत करीब से देखा है, इसलिए मैं तीनों ही पैनलिस्ट से अपना एक पहला सवाल करूंगा कि औरतों को सेफ्टी की ज़रूरत है क्यों। मेरा बुनियादी सवाल है कि अगर कहीं किसी के पास मालो दौलत है उसे छुपा के रखी है तो उसको चोरों से डर होता है, अगर कोई इंसान कहीं किसी जंगल से गुजर रहा है या किसी खतरनाक इलाके से गुजर रहा है तो उसको जंगली जानवरों या आदमखोर जानवरों से डर होता है, लेकिन हमारी औरतें, हमारी बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ, हमारी माएँ, हमारी बहनें जो हमारे समाज में, हमारे दरमियान, हमारे बाज़ारों में, हमारे घरों में, हमारे इलाकों में रहती हैं, उन्हें डर है किससे, उन्हें खौफ है किससे, कौन है जो उनको परेशान करेगा, कौन है जो उनको सताएगा, कौन है जो उनको मार डालेगा या उनकी इज्जत उनसे छीन लेगा। इस हवाले से मेरा पहला सवाल है सुधाकर जी आपसे कि हमारी औरतों को सेफ्टी की ज़रूरत है क्यों, खतरा किससे है उनको? खतरा जो है वो समाज से है और इसमें सिर्फ पुरुष ही नहीं तो महिलाओं का भी संबंध आता है। जैसे हम जानते हैं अच्छे पढ़े लिखे लोग भी चाहते हैं कि बेटा हो और ये जो सोच है ये सिर्फ पुरुषों की नहीं है, महिलाओं की भी सोच है। तो इसमें जो बदलाव आना है ये हमारी सोच में आना है और ये पुरुष और महिलाओं दोनों में आना है। अगर ये बदलाव आता है तो महिलाओं को सेफ्टी की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सेफ्टी जिनसे धोखा उन्हीं से सेफ्टी चाहिए। तो धोखा तो उनको समाज के जो तत्व हैं जिनमें नैतिकता नहीं है, जो गलत काम करने में बिल्कुल हिचकिचाते नहीं हैं, और ये पुरुष भी हो सकते हैं महिला भी हो सकती हैं। तो ये सोच में बदलाव आना बहुत ज़रूरी है कि महिला भी हमारे समान है, बराबरी की है, उसको उसी तरह से पेश आना चाहिए जैसे हम अपने किसी और लोगों से आएंगे। औरत की दुश्मन औरत है और औरत की दुश्मन औरत होने के सबब औरतों को बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। मेरा आपसे सवाल है जैद खालिद साहब कि औरतों के दिमागों में या औरतों के समाज में ये सोच कैसे आई, कैसे पनपी? खुद अपने खिलाफ, क्या मैं अपने खिलाफ सोचूंगा, क्या आप अपने खिलाफ सोचेंगे? ऐसा नहीं होता, लेकिन हमारे समाज की औरतें सोचती हैं उन्हें बेटी नहीं चाहिए, बेटा चाहिए, ऐसा क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वअला आलिही वसहाबी अजमईन, अम्मा बाद। जब मैंने आपका सवाल शुरू में सुना तो मुझे ऐसा लगा कि आप जो वुमेन सेफ्टी के टॉपिक आपने स्टार्ट किया वो ख़ास तौर से जो आज इंक्रीजिंग इंसिडेंट्स ऑफ रेप और सेक्सुअल अब्यूज़ की जो इंसिडेंसेस आज सामने आ रहे हैं, हो तो रहे हैं बड़े ज़माने से लेकिन जो उठाए जा रहे हैं आज, तो इस तरफ ज़्यादा फोकस लगा। अब ये सवाल में हम ये देखते हैं कि वुमेन की दुश्मन वुमेन के ताल्लुक से जो बात है, और अगर हम जैसा मैं माफ़ी चाहूँगा आपको इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन हमको आखिरकार आना वही है, औरतों पे किए जाने वाले मजालिम और जुल्म की तरफ ही आना है, लेकिन वार्म अप सेशन है और शुरुआत यहाँ से करनी है। हम जानने की कोशिश ये कर रहे हैं कि इस जुल्म की शुरुआत हुई कहाँ से, वो कौन सी वजूहात हैं, वो कौन से रीज़न हैं जिन्होंने औरत को औरत का दुश्मन बना दिया। मर्द तो खुला दुश्मन है, सामने खड़ा है, नज़र आ रहा है, लेकिन ये औरतें कैसी औरतों की दुश्मन है? जैसा कि सुधाकर जी ने बात बताई कि बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए, ऐसा क्यों है? मेरा मानना है कि ये पूरे प्रॉब्लम का एक रिजल्ट है, बल्कि प्रॉब्लम इसमें बहुत डीप है। जिस तरह से हमारी पूरी सोसाइटी का सिस्टम है, पूरे सोसाइटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो रिलेशनशिप जिस तरह से बने हुए हैं, ये सिस्टम की वजह से इंट्रिंसिकली ऐसे प्रॉब्लम्स आने ही थे और आ रहे हैं। तो ये जो आ रहे हैं ये सिर्फ एक सिम्टम को हम ट्रीट नहीं कर सकते, हमें उसके कोर पर जाना होगा और वो कोर के ताल्लुक से हमें इसमें डिटेल में डिस्कशन करना होगा। आई बिलीव कि मैरिज सिस्टम्स में प्रॉब्लम्स है और वो मैरिज सिस्टम्स की वजह से ये डाउरी का इशू क्रॉप अप होता है।
राइट राइट जी, तो वो हमें कभी एक लंबा डिस्कशन है जो सेपरेट हो सकता है। जहां तक हम ये देखते हैं कि जो औरतों पर अत्याचार हो रहा है, जो औरतों पर सेक्सुअल अब्यूज, मोलेस्टेशन, और ये जो हकीकत हो रही है और बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है, ये एक बहुत ही बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है, बल्कि एक ऐसी चीज है जिससे एक आम इंसान कम से कम आंखें खोलकर देख सकता है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत सी ऐसी जिंदगियां हैं जो सफर कर रही है, परेशानी में है, और जिनका सलूशन हम सबको सोचना चाहिए क्या है आखिर में। और इस चीज के ताल्लुक से अगर हम सब गौर करें तो हम उसके सलूशन तक पहुंच सकते हैं। ज़ैद खालिद साहब, मेरा आपसे सवाल यह है कि ये रेप होता क्या है और क्यों होता है? क्या औरतें सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट हैं हमारे समाज में? अभी अभी एक निर्भया केस में, एक डॉक्यूमेंट्री में, उस निर्भया के रेपिस्ट ने बोला है कि अगर सड़क पे गोश्त रखोगे, सड़क पे मांस रखोगे तो कुत्ते उसे खाने के लिए आएंगे। क्या ये हमारे समाज में मर्दों की सोच है कि जहां औरत एक गोश्त की तरह है और मर्द एक कुत्ते की तरह है? तो आप क्या समझते हैं कि इसमें इस्लाम का कौन सा एंगल है जो हमारी सोच को या हमारे समाज की सोच को बदलने में मददगार हो सकता है? देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो हमें वो दर्द को महसूस करना होगा जो दर्द आम आवाम के सामने इस बार आया था निर्भया केस में, और जो इस तरह के केसेस जो डिपिक्ट हुए हैं और लोगों ने वो एहसास किया है इन अ वे, तो इसमें हम इनसेंसिटिव होकर कुछ बातें इस तरह की बिल्कुल नहीं कह सकते। तो हमें ये बात को पहले इसकी फीलिंग को समझना है, इसके अंदर जो जिंदगियां बर्बाद हुई है, और कई सारी हम देखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 33,707 केसेस एक साल में रिपोर्ट हुए थे 2013 में, और सरप्राइजिंगली उसके अंदर निर्भया केस नहीं है। मतलब निर्भया टाइप के केसेस नहीं होते, क्योंकि प्राइमरी ऑफेंस क्या है वो देखा जाता है। अगर प्राइमरी ऑफेंस मर्डर है तो वो रेप की स्टैटिस्टिक में ऐड भी नहीं होने वाला है। तो ऐसे बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद हो रही है। अब बहुत आसान है कि कोई कह दे कि इस वजह से उस वजह से, हम पहले कहेंगे वो फीलिंग को, एहसास को दिल में लाना, वो सारे लोगों के साथ में सिंपथाइज करना, उनकी फीलिंग्स को, उनके दर्द को महसूस करना, उसके बाद ही आगे की बात हो सकती है। उस फीलिंग को फील करने के बाद अब हम अपने पूरे एक सिस्टम को देखते हैं कि आखिर में ऐसा हो क्यों रहा है, क्या वजह है, किस तरह से हम ऐसे केसेस को होने से रोक सकते हैं, किस तरह से हम सब सोल्यूशन बन सकते हैं। तो हम ये देखें कि ये जो एक मिसाल बहुत ब्लेटेंट अल्फाज में इसने कहा है, आदमी ने, वो अपने गुनाह को छुपाने की कोशिश कर रहा है, वो अपने ट्रांसग्रेशन को छुपाने की कोशिश कर रहा है। इस्लाम ने तो ये सिखाया कि कोई शख्स मालदार है, उसका माल अगर अवेलेबल भी है, सामने भी है, तो भी एक इंसान जिसका हक नहीं है वो उसको नहीं ले सकता, और चोर को चोरी करने का कोई राइट नहीं है। अगर कोई अमीर अपने पैसे को छोड़ के भी चला जाए तो भी चोर को चोरी करने का कोई हक नहीं। तो चोर अपने चोरी को जस्टिफाई नहीं कर सकता ये कहकर कि वो पैसे ऐसे छोड़ के गए थे, मैंने चोरी कर ली। बहुत 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 ज़ैद भाई, बहुत अच्छी बात आपने कही। बल्कि मुझे एक हदीस याद आ गई, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम रास्तों पे अपने घरों से बाहर निकलो और किसी को देखकर तुम्हारी शहवत या तुम्हारे जज्बात भड़कने लगे तो दौड़ के अपनी बीवियों के पास चले जाएगा। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो कितनी खूबसूरत बात है, अगर मैं उस रेपिस्ट की जबान में बात करूं कि अगर उसने सड़क पर रखा हुआ गोश्त देखा है तो दौड़ के अपने घर में जाओ, खाने पीने की चीज़ अपने किचन में जाके ढूंढ, तुझे दूसरे के गोश्त पे इख्तियार नहीं है। बहरहाल, इस बात को आगे बढ़ाते हुए हम आते हैं पाशा साहब की तरफ। पाशा साहब, आप राइटर हैं और आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं। मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कि ये जो एक भीड़ की शक्ल में लोग हैं, जैसा कि अभी जैद साहब ने कहा कि लोगों ने एजिटेट किया, और अच्छी बात यह है कि वो दर्द निकल के सामने आया। मैं जानना ये चाहता हूँ, मैंने खुद एक अजीब मंजर देखा, इनफैक्ट यहाँ बॉम्बे में देखा, निर्भया के वक्त में देखा, कि लोखंडवाले में एक जुलूस निकल रहा था और उस जुलूस में सैकड़ों लोग थे और कैंडल लेके निर्भया के हक में आवाज़ें लगा रहे थे। लेकिन उस जुलूस को जो आदमी लीड कर रहा था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, जो दो चार लोग लीड कर रहे थे उनमें से एक बंदा जिसके हाथ में वो कैंडल थी, मुझे मालूम है उसके ऊपर रेप के कई केस। तो मैं जानना ये चाहता हूँ आपसे, समाज के एक सेंसिटिव हिस्सा होने के नाते, कि ये जो भीड़ है जो आवाज़ें लगा रही है, क्या इनमें उस सोच के लोग हैं, और अगर हैं तो उस सोच को कैसे बदला जाए? डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही है, बिकॉज जब हम देखते हैं कि कुछ हालात बदलने की कोशिश हो रही है, और एक केस जैसा निर्भया के आपने बताया, निर्भया वाले केस में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि पूरे मुल्क में एक आवाज़ उठी। उस आवाज़ में मर्द तो शामिल थे, लेकिन औरतों की बराबरी बहुत बड़े लेवल पे थी। मुंबई के जिस एजिटेशन की आप बात कर रहे हैं, जुहू में वो फिल्म फ्रेटर्निटी ने वो निकाला था, उसमें मैं भी शामिल था, उसमें फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग थे और वहाँ कैंडल जलाई गई। मैंने ये देखा कि शायद पहली बार ऐसा हो रहा था कि पूरे देश में जो एक आवाज़ उठी थी वो आवाज़ यहाँ भी उठ रही थी और गली गली में उठ रही थी। उस वक्त जो लोग कैंडल जला रहे थे और वो ज़ारो कतार रो रहे थे, और वो रोते हुए चेहरे टेलीविज़न पे जो नज़र आए हैं वो पूरे मुल्क ने देखे हैं। तो यहाँ पर जावेद साहब, मैं कहना चाहूँगा कि सोच बदलने की ज़रूरत है।
पाशा साहब ने बहुत अहम बात कही कि समाज जाग रहा है और लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और इकट्ठे होकर मर्द हो या औरत एक साथ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं रेप के खिलाफ और औरतों के साथ होने वाली ज़्यादती के खिलाफ। आवाज़ ही नहीं बुलंद कर रहे बल्कि बाआवाज़ बुलंद रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। सुधाकर जी, मेरा आपसे सवाल है कि एजिटेशंस हो रहे हैं, लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं और सजाओं के लिए मांग कर रहे हैं, पानी की बौछारें अपने ऊपर झेल रहे हैं, उसके बावजूद रेप के ऐसे केस हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने अभी अखबार में दो चार दिन पहले पढ़ा, यही महाराष्ट्र में उसी नौयत का, उसी नेचर का एक केस 6 साल की बच्ची के साथ हुआ, ऐसा क्यों? ये देखिए, इसमें दो बातें, जैसे पहले कहा गया कि सोच के जो सवाल है, अब ये जो सोच है ये तो इंसान में का दरिंदा है, शैतान है, तो इसको अगर हम वहीं के वहीं ख़त्म ना करें तो ये बढ़ता जाएगा। आज मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि क्या किसी के दिल में खौफ है सजा का? आज सजा का खौफ ही नहीं है लोगों को, लोगों को ऐसा लगता है कि वो छूट जाएंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, मैं इस हवाले से आपके पास आऊंगा जल्द भाई। तो इसमें जो हो रहा है ना, कुछ केसेस छोड़ दीजिए, उसमें जल्दी होता है, नागपुर के एक केस में 3 दिन में रेप केस का रिजल्ट आ गया, 3 दिन में। लेकिन ये रूल नहीं है, जिस दिन ये रूल होगा, जैसे हमारे देश में दूसरे देश में ये मेन फर्क है कि 90% से ज्यादा केसेस में कन्विक्शन होता है, तो लोगों को पता है कि अगर मैं गलत काम किया है तो मेरे बचने का चांस बहुत कम है। हमारे यहाँ दुर्भाग्यवश वैसे हालात नहीं है। हमारे यहाँ कई बार हम देखते हैं कि अगर कोई बड़ा पावरफुल है, बहुत पैसे वाला है, तो उसको सजा होने की तो पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। तो ये जो माहौल है, इसमें हम सभी का हिस्सा है, इसमें मैं किसी एक ग्रुप की बात नहीं, पूरा समाज है। इसमें हम लोग सब मिलकर अगर ये कोशिश करें, मतलब हमारी सोच बदल जाती है। और एक मैं कहना चाहूंगा कि बदलाव आ रहा है, जैसे पहले अगर किसी पे बलात्कार होता है तो उससे सभी हट जाते थे, कोई उससे शादी नहीं करता था, अब लोग शादी करने लगे हैं और बलात्कारित लड़की भी सामना करना शुरू कर दिया, अभी आत्महत्या नहीं कर रही है। तो ये जो बदलाव आया है, अभी और सुधार आने की जरूरत है। मैं ऐसे नहीं कहता कि बहुत ज्यादा बदलाव है, लेकिन ये शुरुआत हो गई है और ये शुरुआत बहुत अच्छी है। सुधाकर जी ने एक बहुत अच्छी बात उठाई है जैद भाई, कि सजा न मिलने का जो खौफ नहीं है लोगों के ऊपर, लोगों को ये अंदाजा है या जुर्म करते वक्त उनको ऐसा लगता है कि वो छूट जाएंगे, बच जाएंगे, वो सबसे बड़ा कारण है हमारे समाज में औरतों के खिलाफ होने वाले जरायम का। मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि आमतौर पर हम सोशल मीडिया पर देखते हैं और ख़बरों में पढ़ते हैं और सुनते हैं कि जो कुछ ममालिक हैं जहाँ पर जो डेमोक्रेटिक नहीं है, मनारकी जहाँ पर है लाइक सऊदी अरबिया या दूसरे ममालिक, वहाँ पर ये क्राइम रेट बहुत कम है और ख़ास तौर पर ये रेप जैसे केसेस बहुत कम होते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि इस्लाम के पास ऐसा कौन सा फार्मूला है, इस्लाम के पास ऐसी इस्लामिक सिस्टम में ऐसी कौन सी चीज़ है जो ये रेप जैसे जरायम को 0% पे लेके आ जाता है, ऐसा कौन सा नुक्ता नज़र है, क्या और बाकी दुनिया उसे अडॉप्ट क्यों नहीं करती? देखिए, इसमें हमें ये बात को बहुत एक संजीदगी से समझना होगा। एक बहुत आसान ट्रेंड लोगों के सामने ये है कि जो एक थॉट मीडिया उन्हें दे देता है, वही थॉट को लोग आंखें बंद करके फॉलो करते हैं और उसके बाहर निकल के कभी थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स करते ही नहीं है कि आखिर में सोल्यूशन क्या है। इस्लाम ने ये बताया है कि इसमें सोल्यूशन के दो हिस्से हैं, एक है प्रिवेंशन और एक है क्योर। हमें ये देखना होगा कि प्रिवेंशन कैसे हो सकता है और अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो क्योर कैसे हो सकता है। इस्लाम ने ये सिखाया कि जिसके ताल्लुक से केस साबित हो जाए उसे ऐसी एग्जेम्पलरी पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि बाकी सारे वो लोग जो करने के ताल्लुक से सोच सकते थे वो लोग डिसवेड हो जाए, डर जाएं, वो लोग उस चीज़ से दूर हो जाएं। अब इस्लाम ने ये सिखाया है, रेप इस्लाम के मुताबिक दो सेक्शंस के अंदर पनिशेबल है, एक सेक्शन खुद जिना का सेक्शन और सेकंड सेक्शन जिसे मुहारबा कहते हैं, मतलब एनार्की फैलाना, एक सिस्टम को तोड़ने की कोशिश करना, ये उसके तहत इसकी पनिशमेंट डेथ है इस्लाम के अंदर। ये दोनों चीज़ों को मिलाकर जिना की पनिशमेंट दो अलग लेवल है डिपेंडिंग ऑन वो पर्सन मैरिड है अनमैरिड है, और मुहारबा की पनिशमेंट भी डिपेंडिंग ऑन द लेवल ज़्यादातर चांसेस डेथ के ही। तो हम ये देखते हैं कि दिस इज़ द सिचुएशन और कुछ ऐसे कल्प्रिट्स को इस तरह से एग्जेम्पलरी मैनर में पनिश किया जाए कि बाकी लोग उससे डिसवेड हो जाए, लेकिन ये सोल्यूशन का एक हिस्सा है। सोल्यूशन का एक दूसरा हिस्सा है प्रिवेंशन, और जिसके अंदर ये बताया गया है कि एक नेचुरल अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है जिसे हम डिनाई नहीं कर सकते। आज आप देखिए ये जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है और जिस तरह से ये लोग विमेन को इन अ वे एक्सप्लॉइट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, पेन से लेके कार तक तमाम प्रोडक्ट्स के लिए एक औरत वहां होगी, कई बार लिबास कम पहनी हुई होगी ताकि लोगों अटेंशन को अट्रैक्ट किया जाए, तो बताया चले कि कुछ तो अटेंशन अट्रैक्टिंग बात है, एक नेचुरल अट्रैक्शन एग्जिस्ट होता है। और इस्लाम ने इस बात को एक्नॉलेज करते हुए कि मेन एंड वुमेन आर नॉट द सेम, फिजिकली मर्द और औरतें सेम नहीं होते हैं, बल्कि
कई सारी और चीज़ें हैं जिसके अंदर मैन और वुमेन सेम नहीं होते हैं। आज साइंटिफिकली ये साबित भी हो चुका है कि ब्रेन्स भी मर्दों और औरतों के सेम नहीं होते। तो जब सेम नहीं होते हैं तो इस बात को हम क्यों डिनाई करते रहते हैं? हमें इस बात को बहुत संजीदगी से, बहुत रिलैक्स वे में, एक बहुत ही एनालिटिकल तौर पर देखना चाहिए कि आखिर में ये जो सोल्यूशन जो इस्लाम ने बताया कि औरतों को हिजाब में होना चाहिए, कुरान में जो वाज़े आयतें हैं, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है सूरह 33 आयत नंबर 59, कह नबी कह दो अपनी बीवियों से, बेटियों से और मोमिना औरतों से, बिलीविंग औरतों से, युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, कि वो जब घर के बाहर जाएं तो एक आउटर गारमेंट को पहन लें। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैना, ये उनके लिए बेहतर होगा कि वो पहचानी जाएँ और परेशान ना की जाएँ। पता चला कि एक पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट होती है। मैं यहाँ आपको टोक रहा हूँ दरमियान में, उस रेपिस्ट की ज़बान में अगर मैं बोलूँ तो आप गोश्त को सड़क से उठा के घर में रखने का मशवरा दे रहे हैं। देखिए, हम ये बात कह रहे हैं कि वो जो पर्सन ने एक गलत काम किया उसके लिए कोई एंगल से जस्टिफाइड नहीं है। जो गलत है वो गलत है, और उसके पास कोई राइट नहीं था, उसके पास कोई चीज़ नहीं थी कि वो अपनी लिमिट को क्रॉस करे और किसी भी इंसान के ऊपर कोई जुल्म करे और उसकी लिमिट को क्रॉस करके वो एक गलत काम करे। इसके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं था। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये जो सोसाइटी का व्यू है कि कोई फ़र्क ही नहीं है, ये खुद एक दूसरा एक्सट्रीम है। एक तरफ तो वो रेपिस की ज़ुबान है, वो एक एक्सट्रीम है, लेकिन दूसरी तरफ एक दूसरा एक्सट्रीम है जिसके अंदर कहते हैं कि कोई फ़र्क ही नहीं है, ये एक हकीकत को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि सही रास्ता इन दोनों के दरमियान वाला रास्ता है। आजमा के तो देखो, इस टॉपिक पे वापस आता हूँ आपके पास। हम बुनियादी तौर पर एक दौराहे पे आगे खड़े हो जाते हैं या इस डिस्कशन में, अभी सुधाकर जी की बात सुनी, जैद साहब की बात सुनी और एम एच पाशा साहब की बात सुनी, और मैं एक दौराहे पे आगे खड़ा हो गया हूँ जहाँ मेरे सामने दो रास्ते हैं। एक तो ये कि रेप्स को और ऑफेंसेस ऑन वुमेन को रोकने के लिए क्या हम औरतों को छुपा के रख लें, या उन्हें पर्दा करा दें, या उन्हें घरों पे रखें, या उन्हें ऐसी जगहों पे जाने से रोकें जहाँ पर लोगों के अट्रैक्ट होने का खदशा है, या हम लोगों की सोच बदलें, मर्दों की सोच बदलें, मर्द अपने निगाहों पर पर्दा डाल लें। मैं जैद साहब आपकी तरफ आऊँगा और आपसे ये सवाल पूछूंगा कि इस्लाम इस मुतालिक क्या कहता है, मर्दों के पर्दे के बारे में क्या कहता है, मर्दों की निगाहों के पर्दे के बारे में क्या कहता है। मैं आपकी तरफ आपसे पूछूंगा आपके सवाल। उससे पहले मैं सुधाकर जी आपसे सवाल करना चाहता हूं कि इसमें क्या सही है, क्या औरतें अपने आप को छुपा लें या मर्द अपनी सोच को बदल दें? बड़ा वास्ट टॉपिक है, पूरे दुनिया में डिस्कस हो रहा है। जैसे मैंने पहले कहा कि जो सोच में बदलाव आना है ये दोनों के सोच में आना है, मर्दों की भी सोच में आना है, महिलाओं के भी सोच में। किसके ज्यादा आना है? इंपॉर्टेंट सवाल नहीं आना है कि पुरुषों के आना है, क्योंकि अन्याय कौन करता है? अन्याय करने वालों में अगर आप देखें तो महिलाओं की संख्या कम है, पुरुषों की संख्या बहुत ज्यादा है। और खासकर अगर हम रेप के हवाले से बात करें तो रेप 100% मर्दों की तरफ। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही फरमाया। मतलब अगर बनाने वाले ने फिजिकली औरत को मर्द से कमजोर बनाया है तो वो किसी भी मौके पर कहीं भी अपने फिजिकली स्ट्रांग होने का फायदा उठा लेगा। मैं कहूंगा गैर फायदा, फायदा नहीं, क्योंकि गलत फायदा उठा लेगा। गलत फायदा है तो कहीं भी आप लीजिए, किसी भी मजहब की बात कर लीजिए, हर मजहब में समानता है, किसी में बदलाव नहीं। और तो हर औरत को सम्मान से जिंदा रहने का हक है, हक है, जैसे पुरुष को हक है वैसे ही दोनों को हक है। तो इसमें एक दोनों को एक दूसरे के बारे में आदर होना बहुत जरूरी है, रिस्पेक्ट का रिश्ता जरूरी है। और ये तो बहुत गलत बात है कि किसी ने कम कपड़ा, जो देखते हैं आप वो 3 साल की बच्ची जिसने पूरे कपड़े पहन रखे हैं उस पर भी बलात्कार होता है। तो यहाँ कहाँ ये हुआ कि उसके कपड़े पहन कम थे और या वो किसी को इंसाइट कर? तो ये सोच का सवाल है, और ये सोच तभी बदलेगी जब हम लोगों को नैतिकता सिखाएंगे कि क्या अच्छा है बुरा। आप कोई भी मजहब ले लीजिए, हर मजहब जो है वो इंसानियत पे टिका हुआ है। कोई मजहब नहीं कहता कि चोरी बुरी बात नहीं है, कोई कहता नहीं कि झूठ बोलना बुरी बात नहीं है, कोई कहता नहीं कि व्यभिचार बुरा नहीं है। तो सब धर्मों का जो सार है वो एक सा है, अच्छाई की तरफ। सब धर्मों का सार एक सा है और वो बुराई को रोकता है और बुराई करने वालों को बुराई करने से रोकता है। सिविलाइजेशन, एजुकेशन और कल्टीवेशन से ये चीज सॉल्व हो सकती है तो हम सबसे सिविलाइज्ड कंट्री की तरफ देखेंगे जो आज दुनिया की मानी हुई। उससे भी पहले मैं आपकी तरफ एक सवाल लेके आना चाहता हूँ, और वो ये है जो कंटिन्यूसली हम एक सवाल लेके आगे बढ़ रहे हैं। यकीनन इस्लाम ने एक हल दिया औरत को कि औरत अपने जिस्म की इस तरह से नुमाइश ना करे या मुजाहरा ना करे जो समाज को ये कहिए आपके दावत दे। लेकिन मैं इस्लाम का नुक्ता नजर जानना चाहता हूँ कि इस्लाम ने मर्दों को क्या हिदायत दी? मेरे ख्याल में है ऐसी कुछ। हम मर्दों की हिदायत की तरफ आते हैं। यकीनन इस्लाम ने मर्दों को सिखाया निगाहों का पर्दा कितना बड़ा है। के पर्दे के ताल्लुक से आयत तो कुरान में औरतों के पर्दे से पहले है। कुरान में अगर हम सूरह नूर पढ़ते हैं, सूरह 24 आयत नंबर 30 में मैं यही सुनना चाह रहा हूं, आयत नंबर 31 में औरतों के ताल्लुक से बताया गया है। आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला ने कहा कुल लिल मोमिनीना, कह दो मोमिन मर्दों से, यगुद्दु मिन अबसारिहिम,
कि वो अपनी नजरों को नीची कर लें, अपनी पाकीजगी, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें, यानी सड़क पर रखे हुए गोश्त को ना देखें, they are not allowed. बल्कि यहाँ तक है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला तुद्बीन नजरतन नजरता, एक नजर के बाद दूसरी नजर मत जाने देना, फैना लकल उला वलीसत लकल आखरा, क्योंकि बाय मिस्टेक कोई नजर पड़ गई नजरतुल फजा तो वो माफ है लेकिन दूसरी नजर माफ नहीं है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड देखिए यहाँ पर बहुत सही बात सुराटकर साहब ने कहा कि हमें यानी रिलीजन की तरफ भी देखना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि एक इंसान कई बार अपनी अकल से ही हर चीज को देखने लगता है, right. जबकि हम ये देखें कि हमारे सिस्टम्स फैलिबल हैं, ये गिर जाते हैं हमारे सिस्टम्स। इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक कोई चीज को हम सही मानते आए, अभी जाकर लोगों ने कहा कि हमारा कानून सही नहीं था, ये कानून को बदलने की जरूरत है, तो अभी हमारे जो सिस्टम्स हैं ट्रायल एंड एरर से चलते हैं, right. ये ट्रायल एंड एरर में कई बार कई साल बाद 50-60 साल बाद जाके पता चलेगा कि जो सिस्टम हमने बनाया था ये गलत सिस्टम था और 50 साल से जिंदगियां बर्बाद हो रही थी और ये सिस्टम सुधारने की जरूरत। कितना अच्छा होगा अगर कोई ऐसा जो पहले से सब कुछ जानता है वो हमें बता दे कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है ये तुम्हारे लिए बुरा है। तो यहाँ पर एक बात आती है रिलीजन की, तो हमें देखना होगा कि हमारा जो क्रिएटर जिसने हमें बनाया उसने हमें क्या सिखाया है और वहां से हमें जो सोल्यूशन मिलेगा वो बिल्कुल परफेक्ट सोल्यूशन है। अब जो टॉपिक चल रहा था जिस ताल्लुक से मैं एक बात कह रहा था, प्लीज, प्लीज, और मेरा कहना है कि सबसे ज्यादा सिविलाइज एजुकेटेड कंट्री आज जो समझी जाती है वो अमेरिका समझी जाती है, लेकिन अमेरिका सहमत नहीं है, बल्कि हमें सहमत नहीं होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं, लेकिन एटलीस्ट लोकल परसेप्शन जो लोगों का है मासेस का परसेप्शन तो यही है और खुद उनका भी दावा यही है, ये कैसे जैसे मिसाली कंट्री समझी जाती है, लेकिन वहां की अगर हम हकीकत देखें यूएस की सीडीसी जो सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है उसने एक स्टडी किया तो एक साल के अंदर 1.3 मिलियन 13 लाख ऐसी औरतें मिली जिन्होंने कहा कि हमारा रेप हुआ है या हमारे साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है। तो हम ये देखते हैं कि एजुकेशन से ये चीज अगर सचमुच खत्म हो रही होती तो वहां खत्म हो गई होती, यहां से कई गुना ज्यादा क्यों मिल रही है, दिस इज अ क्वेश्चन, ये सोचना होगा हमें। अब देखिए एक मिसाल कह रहा हूं कि जैसे ये कुर्सी है और ये टेबल है, अगर हम यहां से उठ जाए तो ये कुर्सी जहां वहीं पड़े रहेगी, ये टेबल जहां वहां पड़ा रहे, क्योंकि एक नेचुरल अट्रैक्शन नहीं एग्जिस्ट होता है इन दोनों के दरमियान। लेकिन हम ये देखते हैं कि ऐसा मामला मर्दों और औरतों का नहीं है और इस बात को हम क्यों डिनाई कर रहे हैं। फैक्ट ये है कि ये अट्रैक्शन अगर होता नहीं तो इंसानी रेस ही कंटिन्यू नहीं हो पाता, मतलब ये एक नेचुरल चीज है जिस वजह से बच्चे पैदा होते हैं, एक नेचुरल अट्रैक्शन है। अब यहाँ क्या है कि इस चीज को डिनाई किया जाता है और कहा जाता है कि कुछ भी नहीं होता है, औरतों के कम लिबास पहनने से कुछ भी नहीं होता है, हालांकि एक नेचुरल अट्रैक्शन डज एग्जिस्ट। इसी वजह से एडवर्टाइजिंग में ये चीज क्यों यूज की जाती है जो बिल्कुल गलत बात है, मर्दों के प्रोडक्ट में औरतें इस्तेमाल की जा रही हैं। लेकिन एडवर्टाइजमेंट्स क्या कहते हैं कि कुछ अट्रैक्शन नहीं है तो क्यों यूज कर रहे हैं, कुछ तो रीजन है। तो हम देखते हैं कि ये चीज को एक्नॉलेज ना करने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, राइट। अब जैसे मिसाल के तौर पर यूएन में ये रिपोर्ट टेबल हो चुकी है, आप इंटरनेट पर अगर यूएन की रिसर्च ऑन अटैक्स एट वर्क की बात हम देखें तो उसमें आता है 41% वुमेन इन वेस्टर्न कंट्रीज का ये कहना है कि एट वर्क काम पर उन्हें किसी तरह का सेक्सुअल एडवांस सेक्सुअल अब्यूज का सामना करना पड़ा। ये एक हकीकत है, हम डिनाई नहीं कर सकते। अब आते हैं हम बच्चों की तरफ, जो बच्चों के साथ हम देखते हैं वो तो लड़कों के साथ भी होता है, तो लड़कों के साथ जो चाइल्ड अब्यूज होता है। अहमद पाशा साहब, मेरा आपसे सवाल है कि क्या औरतें वाकई कमजोर हैं या मर्दों के समाज ने उन्हें एहसास दिलाया कि वो कमजोर हैं? नहीं, बेशक मर्दों के समाज ने, हमारे घरों में हमने उनको ये यकीन दिलाया कि आप कमज़ोर हो। वो कैसे? जब घर में एक बच्ची होती है और एक बेटा होता है आपका, तो उसको बराबरी के दर्जे नहीं दिए जाते। बच्ची को हमेशा ये बताया जाता है कि भाई तुम ये काम मत करो, ये भाई को करना है। तो बच्चों के साथ मेल और फीमेल डिस्क्रिमिनेशन तो हमारे घर में शुरू हो जाता है। तो साबित ये होता है कि हमने उसको यकीन दिला दिया कि तुम कमज़ोर हो। इस पर मेरा कहना है कि अगर औरतों ने जहाँ उनको मौके मिले उन्होंने प्रूफ किया है, वो रज़िया सुल्तान हो, वो बेगम हज़रत महल हो, इस माहौल में उन्होंने एक ब्रिटिश को अपनी तलवार से काटा, लक्ष्मीबाई हो या रानी लक्ष्मीबाई हैं, और आज की कल्पना चावला जो स्पेस पे गई, तो मेरा कहना है कि उनको यकीन दिलाया गया इस बात का कि भाई आप कमज़ोर हैं, कमज़ोर नहीं हैं औरतें। मेरा मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मेरा मानना है कि औरतें कई मामलों में मर्दों से ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। जैसे माँ के अंदर जितनी स्ट्रेंथ होती है बर्दाश्त करने की या अंडरस्टैंड करने की, उतनी स्ट्रेंथ थोड़ी बाप में होती है। लेकिन अगर हर चीज़ में कहें कि मर्द और औरत बराबर है और कोई डिफरेंस है ही नहीं, तो ये एक हकीकत को एक्नॉलेज करने से हम आंखें बंद। मैं यहाँ पर मतलब जैसे फिजिकल स्ट्रेंथ की बात, फिजिकल डिफरेंस की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन हर जगह पर औरत कमजोर नहीं है, बहुत सारे पहलू ऐसे जहाँ मर्द कमजोर है। देखिए कैसा है कि एक हमारी जो सोसाइटी में एक जो रेस लगाई गई है जिसमें बताया गया है मर्दों और औरतों में एक तरह का कॉम्पिटिशन है और हर चीज में कंधे से कंधा लगा कर दोनों कम्पीट कर सकते हैं,
तो हमारा ये मानना है, बल्कि मैं ये व्यू आप सबके सामने और लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि एक कॉम्प्लीमेंट्री रोल है जिसके अंदर, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोटेक्शन की जब बात आएगी, कोई चोर घर में आ गया तो कोई ये नहीं कहेगा कि मैं औरतों के हकूक में मानता हूँ, मैं अपनी बहन को भेजूंगा लड़ने के लिए। तो उसमें वो लड़के को ही जाना होगा। और ये बात एक एक्नॉलेज बात है, फिजिकली हो या जैसे मेंटली, आज साबित है अगर आप सिर्फ गूगल में जाके सर्च करिए कि ब्रेन्स ऑफ मेन एंड वुमेन, तो साबित बात है कि मर्दों और औरतों के ब्रेन्स बिल्कुल अलग है और मर्दों के ब्रेन्स प्लानिंग एबिलिटीज में ज्यादा वेल गियर्ड है, औरतों के ब्रेन्स इमोशंस को अंडरस्टैंड करने में ज्यादा वेल गियर्ड है। बल्कि अगर सारे दिमाग इंसानों के सिर्फ मर्दों की तरह होते तो शायद इंसानियत कंटिन्यू ही नहीं हो पाती, क्योंकि माँ जिस तरह से एक बच्चे के जज्बात को समझ पाती है, बाप वैसे नहीं समझ पाता है। क्या बहुत अच्छी बात है, क्या बात है। बल्कि मैं आपकी इस बात को और आगे बढ़ाते हुए ये कहूंगा कि मर्द, तमाम मर्द फिजिकली बराबर नहीं होते, कोई कमजोर होता है, कोई ताकतवर होता है। और बल्कि जैद खालिद साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो औरतों और मर्दों की बराबरी है जो इतनी देर से हम डिस्कस कर रहे हैं, इस बारे में इस्लाम क्या कहता है? देखिए, इस्लाम का कहना ये है कि दोनों का अल्लाह के सामने स्टेटस तो बराबर है, दोनों के पास इक्वल चांस है जन्नत जाने में। लेकिन जहां तक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात है तो उसके अंदर हर चीज में बराबर नहीं है। एक माँ का स्टेटस अलग है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन है जो मेरी कंपेनियनशिप का सबसे ज्यादा हकदार है, उन्होंने कहा तुम्हारी माँ है। फिर कहा उसके बाद कौन है, तो उसके बाद उन्होंने कहा उसके बाद तुम्हारी माँ है। उनके बाद कौन है, उनके बाद फिर से तुम्हारी माँ है। तीन बार कहा माँ और कहा फिर फोर्थ नंबर उसके बाद कौन है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसके बाद तुम्हारे वालिद। तो अब यहाँ कहाँ बराबरी हुई, सही बुखारी की हदीस है ये। तो लेकिन जहाँ तक कुछ रोल्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पर कुछ एरियाज होती है, घर में जाकर कमा कर लाना ताकि घर का खर्चा चले, ये टेंशन, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्दों के कंधे पर है। अगर यही रिस्पॉन्सिबिलिटी औरतों के कंधों पर डाल दी जाए तो कल वहाँ वो सोसाइटी के अंदर वो किसी के भी एक्सप्लॉयटेशन का शिकार हो सकती है। तो उसे एक प्रोटेक्टेड रोल दिया गया जहाँ वो अपने घर की मलिका है, उसे कहीं जाके खादिमा बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां तक दूसरी चीजें हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि औरतों का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर उसे वो रोल अदा करना होगा। कहीं पर मिसाल के तौर पर अगर डॉक्टर के पास जाना है, और अगर मैं अपनी वाइफ को भेजना चाहता हूं तो मैं चाहूंगा वो फीमेल डॉक्टर के पास जाए, या मेरी बच्ची को कोई फीमेल टीचर पढ़ाए, तो कुछ रोल्स होते हैं, कुछ चीजें होती है जो फीमेल। अच्छा, मैं यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे करूंगा। जब आप अपनी बेगम को डॉक्टर के पास भेजना चाहते हैं तो आप ये चाहते हैं कि वो एक फीमेल डॉक्टर के पास जाए, लेकिन जब आप खुद किसी डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं तो क्या आप ये सोचते हैं कि आप सिर्फ मेल डॉक्टर के पास जाएं? देखिए, इसमें सही बात तो यह है कि मर्दों को मर्दों के पास जाना चाहिए, औरतों को औरतों के पास जाना चाहिए, सिवाय कोई मर रहा है तो कोई भी जान बचा। खैर, ये बहुत अलग डिबेट का टॉपिक है, इस पर अलग से एक डिबेट की जा सकती है। जो बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है वो ये है कि दुनिया के तमाम मजहब, इस्लाम हो या दूसरे मजाहब हो, वो औरत को एक अजीम दर्जा देते हैं, एक ऐसे मकाम पर रखते हैं जहाँ औरत के पैरों के नीचे मर्दों की जन्नत आ जाती है, जहाँ माओं की खिदमत के लिए मर्दों का तीन हिस्सा है और बाप के लिए एक हिस्सा है। लेकिन सवाल यह है कि हम, यानी हम मर्द लोग और हमारा मेल डोमिनेटेड समाज जो है, औरतों के साथ अपने मजहबों के उसूलों के खिलाफ जाके डिस्क्रिमिनेशन क्यों करता है, और क्या ये डिस्क्रिमिनेशन पुलिस डिपार्टमेंट में भी मौजूद है? आइए सुधाकर जी से इस हवाले से सवाल करते हैं। सुधाकर जी, मैं जानना ये चाहता हूँ कि औरतों के खिलाफ जो क्राइम होते हैं वो क्राइम या तो घरों में दबा दिए जाते हैं कि तुम्हारी इज्जत है, इज्जत ख़राब हो जाएगी, हाँ लोग क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, और अगर कुछ लोग हिम्मत करके बाहर निकलते हैं, पुलिस स्टेशन तक आते भी हैं, तो पुलिस स्टेशन अगेन मर्दों का समाज है, वहाँ बैठे मर्द लोग हैं और वो वहाँ पे केसेस दबा देते हैं, लेकिन फिर भी बगावत होती है, बहुत कोशिशें होती हैं। तो हम आमतौर पर देखने में आया है कि केसेस अगर दर्ज भी होते हैं तो इतने कमज़ोर या दूसरे क्लॉजेज में दर्ज होते हैं कि मुजरिम को सज़ा नहीं मिल पाती, औरतें वहीं की वहीं खड़ी रह जाती हैं। तो क्या मैं इसे ये मानूँ कि औरतों के खिलाफ होने वाले क्राइम में पुलिस डिपार्टमेंट की भी हिस्सेदारी है? इसमें मैं हिस्सेदारी नहीं कहूँगा। इसमें जो है, आपको एक समझना होगा कि समाज में अलग अलग तरह के लोग, जैसे पुलिस में कुछ बिल्कुल क्रिमिनल्स हैं, बहुत से लोग हैं जो हालात देखकर बर्ताव करते हैं, और कुछ बिल्कुल धूत के दूल्हे बिल्कुल साफ हैं। तो हम किसी को ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते, और ये जो बात है हर किसी में सही है। आप कहीं भी जाइए आपको इन तीन किस्म के लोग मिलेंगे। तो मैं बिल्कुल मेरे सर्विस के शुरू का एक किस्सा बताना चाहूँगा, जहाँ एक बच्ची पर, लड़का भी कम उम्र था, खेत में गई, वो तो उस पर बलात्कार किया और उसको एक आना दिया। पहले एक आना हुआ करता था, तो फिर वो रोती हुई घर गई, बताया उसने, थाने में आए, वहाँ जो हेड कांस्टेबल था उसने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वो खेत में गई तो जो काउडंग होता है वो चुनने के लिए गई तो उसको थप्पड़ मारा, वापस आए, पुलिस वाले नहीं आए, इसलिए शाम को फिर गए माँ बाप के साथ। दूसरा हेड कांस्टेबल था,
उसने भी वैसी रिपोर्ट दर्ज कराई। फिर जब कुछ नहीं हो रहा है तो दूसरे दिन सुबह गांव का सरपंच, टीचर्स वगैरह सब गांव वाले मिलकर गए, तो थानेदार था। थानेदार ने जब बात सब सुनी तो उसको मेडिकल को भेजा और ऑफेंस रजिस्टर किया। तो सीनियर अफसर के हिसाब से वो हमें जाना होता है ऐसे केस को देखने के लिए। जब मैंने देखा तो इसमें सवाल ये आता है कि FIR कौन सी है। रेप की बात तो बाद में हुई, हाँ, मतलब कोर्ट के सामने तो वही जाएगा जो केस बनाया गया है। तो मैंने सोचा, जो सही है, कानून भी सही है, कि जब तक उन हेड कांस्टेबलों को भी आरोपी नहीं किया जाता, क्योंकि उन्होंने गलत रिपोर्ट बनाया, आरोपी को बचाने की कोशिश की है, तो मैंने उन्हें भी आरोपी बनाया। और आपको ताज्जुब होगा कि वो लड़का छोटा ही था, जैसे मैंने कहा, तो उसको 6 महीने के लिए रिमांड में रखा गया। और जो दो हेड कांस्टेबल थे, इन दोनों को 2-2 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट दी गई। तो यहाँ रोल आता है सीनियर पुलिस अफसर का। सीनियर अफसर के 2 रोल हैं, एक कि उनके जो जूनियर्स हैं उनको वो गाइड करें, और दूसरा उनको कंट्रोल करें, कंट्रोल करें। तो अगर जहाँ सीनियर अफसर ये 2 रोल अपने अच्छी तरह से बखूबी निभाता है तो वहाँ काम अच्छा होता है। अच्छा, मैं यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि उस कांस्टेबल ने ऐसा क्यों किया? उसमें एक मानसिकता और अलग है कि रेप रजिस्टर करेंगे तो सीनियर अफसर आएंगे, ये होंगे, तकलीफ होगी, जाने दो, रफा दफा कर दो, ठीक है, गरीब है, कुछ नहीं होता, ये भी एक सोच है। यानी अपना काम बढ़ेगा इसलिए इस काम को घटा दो, ये भी एक सोच है इसकी। उसमें वो हेड कांस्टेबल कोई बदमाश नहीं था वैसे देखा जाए। मैं वो ऐसी बात नहीं थी कि उसने पैसे ले लिए, पैसे ले लेता तो समझ में आती बात। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहूंगा कि आपने जो बात कही है बहुत पुरानी बात थी, आज भी हमारे समाज में यही हो रहा है। हो रहा है ना, हरियाणा में अभी ये केस हुआ है, उस लड़की ने सुसाइड कर लिया जी। एक लड़की जिसके साथ गैंगरेप हुआ, FIR नहीं हो पाई, मुश्किल से FIR हुई, उस लड़की को लोअर कोर्ट में ट्रायल पे बुलाया गया, उसको बार बार वही यातनाएं दी जा रही हैं जो उसके रेप के वक्त हुई। बार बार उसे यही पूछा जा रहा है उन गवाहों को बुला के, उन 5 लोगों को बुला के, कि भाई आपके साथ इसने ये किया, कैसे किया, किन हालात में किया। ये उसके ऊपर एक डबल अत्याचार हो रहा है। बिल्कुल। और इस लड़की ने 12 कानून में इस तरह का प्राविधान नहीं है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। लेकिन सर ये हो रहा है सब। नहीं, हो रहा है, वो मैं कह रहा हूँ, ये सब गलत है। उसका रिजल्ट ये आया, जो ये गलत काम कर रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। बिल्कुल। और ये कड़ी से कड़ी सजा तभी हो पाएगी जब हम सब लोग मिलकर इकट्ठे होकर, पहले तो हम लोग कानून समझ लें, और कानून और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके दायरे में अगर हम अपने हक मांगते हैं। तो सुधाकर जी, कानून क्या कहता है? हम अपने अपने नाज़रीन को, नाज़रीन में चाहता हूं कि आप लोग ये समझे कि कानून इस बलात्कार हुआ तो सब उस लड़की का, औरत का नाम डिस्क्लोज नहीं करना है। नंबर 1 ट्रायल जो है वो इन कैमरा चलनी है। नंबर 2 लेडी डॉक्टर ने करना है उसके मुराजा, और 2 डॉक्टर ने करना है। तो उसमें काफी प्राविधान दिए हैं कानून में, लेडी को प्रोटेक्शन काफी है। पर कई बार ना तो लेडी अब उसके हक जानती है। जैसे अगर मैं पूछूं, आप मुझे ताज्जुब होता है, हर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के हक की बात करता है। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, तो मुझे बहुत मुश्किल से एक आध आदमी नज़र आता है जो कि बता पाता है। नहीं बता पाते लोग, नहीं बता पाते। तो हमें ड्यूटीज़ और राइट्स दोनों को समझकर, दोनों को साथ लेकर चलना होगा। उन्हें जानने की ज़रूरत है, बेसिकली बिल्कुल जानने की ज़रूरत। हमारे एक सवाल मेरा है यहाँ पर कि ये जो प्रोविजन आपने बताए, ये आप सीनियर पर्सन हैं, उस ज़माने में भी हुआ करते थे? नहीं, तो कानून जो है, कानून की क्या बात होती है कि कानून ये समय के साथ बदलाव आता रहता है। बदलाव आता है। जैसे अब एक बात अगर आपसे मैं कहूँ कि सरकारी अफसर को ब्राइब देना ऑफेंस है जी, लेकिन अब सरकारी अफसर ही दूसरे लोगों को ब्राइब देने लगे हैं, लेकिन कानून में कोई प्राविधान नहीं है जी। पहले सती हुआ करता था, आज ऑफेंस है जी। तो कानून ऐसी चीज है, इसको समय के साथ बदलना है, और वो बदलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग जो है वो गलत आवाज उठाते हैं, और फिर गवर्नमेंट देखती है कि किसकी आवाज ज्यादा पावरफुल है। कई बार कुछ लॉबीज होती है जिनकी आवाज बहुत पावरफुल होती है, तो जब भले ही वो गलत बात कह रहे होते कई बार, लेकिन बात तो मानी जा सकती है। डेमोक्रेसी में तो होता ही है। अब क्या बेटर नहीं होगा कि क्या कोई ऐसा जो हमसे बेहतर जानता है और जो इंसानी सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो बता दे, और वो हम आइडेंटिफाई। बिल्कुल, इसमें हम लोग सब मिलकर कर सकते हैं। जैसे हम में से हर कोई जी अपने अलग अलग क्षेत्र में अपना एक्सपर्ट है जी। मैं कहता हूँ कि दुनिया में कोई इंसान नहीं जो किसी काम का नहीं, हर इंसान किसी न किसी काम के लायक है। जो इंसान जिस काम के लिए लायक है, आप उसको वो काम दीजिए, उससे काम कराइए, वो बिल्कुल दिल लगाकर मेहनत करके काम करेगा। उसकी सलाहियतें पहचाने और उसको उस काम पे लगाएं जिस काम के लिए है। बहुत अच्छा किसी शायर ने कहा है कि एक जर्रा हकीर हूँ लेकिन मेरे बगैर पहुंची ना इख्तिताम को तस्वीर कायनात। एक और सवाल है कि अब जैसे ये इन्होंने केस बताया कि वो लड़की ने सुसाइड आखिर में कर लिया,
और वो जो कल्प्रिट्स है वो कई केसेस में होता है कि बच जाते हैं. मैंने रिसेंटली पढ़ा कि 90% केसेस में जो कल्प्रिट्स है वो स्कॉट फ्री चले आते हैं. बिल्कुल सही बात फरमाया. इवन इन अमेरिका सिर्फ 5% केसेस है कि एक रात जेल में गुजारना पड़ेगा किसी रेप अक्यूज्ड को. 95% ऑफ द टाइम उसे एक रात भी गुजारना नहीं पड़ेगा. ये होता है. मेरा एक्सपीरियंस अलग है. खैर उसमें ना जाते हुए मैं कहूंगा कि हमारे सिस्टम सुधरनी. जब सिस्टम की बात मैं कहता हूं तो पहले तो गवाह चाहिए. अब गवाह गवाही क्यों दे? उसको क्या प्रोटेक्शन है? उसको बदमाश है तो वो मार भी सकता है, धमका सकता है. सर यहाँ मैं आपको टोकूंगा बीच में. क्या रेप के गवाह होते हैं सचमुच? 99% तो मुझे लगता है कि रेप के गवाह कर रहा हूँ. इन जनरल सवाल ये है कि सजा क्यों नहीं होती. ये सवाल जो है उससे ज्यादा व्यापक है. मैं रेप का सीमित नहीं कह रहा हूँ. तो पहली बात तो हमारे माहौल में लोगों को प्रोटेक्शन नहीं मिलता, इसलिए लोग सामने नहीं आते. दोस्त लोग ही कहते हैं अगर आप जा रहे हैं आपकी बीवी साथ है, लफड़े में पड़ते हो, जाने दो ना, क्या होता है, चलो आप मेरे साथ चलो. ये जो मानसिकता है, हम लोग तमाशाई हैं. जब हम देखते हैं कि लोगों पे बलात्कार हो रहा है, अगर कानून की बात करें तो किसी पे अगर बलात्कार हो रहा है तो आप उसकी जान तक ले सकते हैं. यहाँ तक हमारा कानून. क्या बात है, क्या बात है. मैं आपको टोक रहा हूँ बीच में. सुधाकर जी, सुधाकर जी ने हमें ये बताया है कि हमें यह हक हासिल है कि अगर हमारे आंखों के सामने किसी औरत, किसी भी औरत, किसी भी लड़की, किसी भी बच्ची, वो हमारी बच्ची हो, किसी और की बच्ची हो, उसके साथ बलात्कार हो रहा है, तो हम उसको बचाने के लिए बलात्कार करने वाले को मार तक सकते हैं और उसके नतीजे में कानून हमें सजा नहीं देगा बल्कि सराहेगा. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है. इतना ही नहीं, अगर कोई घर को मकान को आग लगाता है, और हमारे कानून की एक खासियत है कि अपनी जान बचाने के लिए तो हम राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है ही है, दूसरों की जान बचाने के लिए हमें राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है. क्या कहने, क्या बात. तो जो मैं कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग मिलकर लोगों को समझाएं कि उनके हक क्या हैं, उनके कर्तव्य क्या हैं, ड्यूटीज क्या हैं, और ये सब समझकर अगर हम अपने हक की मांग करते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमें बिल्कुल उसमें सफलता मिलेगी. लेकिन एक सवाल का जवाब नहीं मिला कि ऐसे केसेस में इंसाफ कहाँ है. देखिए इंसाफ क्यों नहीं है हमारे यहाँ, उसी पे मैं कहता हूँ. पहली बात तो विटनेसेस नहीं आते हैं, डॉक्टर्स भी बिक जाते हैं, जजेस भी बिक जाते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सीबीआई के पब्लिक प्रोसिक्यूटर को पकड़ा गया है. तो ये जो सिस्टम का हिस्सा है, ये सिस्टम में जब तक हम सब लोग मिलकर नहीं लड़ेंगे. लेकिन इसका एक अलग और एक अलग रिएक्शन सामने आया है. अभी हाल ही में मिजोरम में दीनापुर में एक जो घटना हुई है कि एक रेपिस्ट को मॉब ने, मैं सहमत नहीं हूँ क्योंकि सहमत ना हूँ, लेकिन हादसा हुआ. नहीं नहीं, एक रेपिस्ट को पब्लिक ने जेल तोड़ी, उसको निकाला और उसको जान से मार दिया. सर्कमस्टेंसेस जो भी रहे हो, ये वो रिएक्शन आ रहा है. गलत है ये, गलत है. क्यों हो रहा है ये? गलत है, गलत है, ये गलत है. ये क्यों हो रहा है जी? दिस इज फेलियर ऑफ आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. राइट, एग्जैक्टली. हमें न्याय मिलता नहीं है, तो फिर एक समय आता है कि जब हम सोचते हैं कि क्यों ना कानून को हमारे हाथों में ले, तो ये देश के लिए बहुत घातक है. घातक है, लेकिन विदाउट ट्रायल हो रहा है ना. देना क्राइम प्रूवन है कि सिर्फ सुनने की बातें थी, किसे क्या पता है. इलीगल है, नहीं होना चाहिए. दीनापुर की घटना है, मैं उसे जिस नुक्ता नजर से देखता हूँ वो ये है कि वहाँ अगर हुआ तो पहला क्राइम ये हुआ कि रेप हुआ, और दूसरा क्राइम ये हुआ कि लोगों ने उसे मार डाला. पुलिस का डर है क्या? नहीं है. क्यों कानून हाथ में ले? डर क्यों नहीं है? हाँ क्यों नहीं है, इसकी वजह बताइए. उसकी वजह बहुत सी है. पहली वजह तो ये है कि हमारे सिस्टम में जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो वेस्टेड इंटरेस्ट सब साथ आ गए. जैसे मैं कहूंगा कि एक क्रिमिनल, एक पुलिस वाला और पॉलिटिशियन, प्रिंस भी है उसमें, ये जो सब मिलके काम करते हैं, जो जिसको मैं कहूंगा कि वेस्टेड इंटरेस्ट जो काम होता है, तो इनका राज है. ये सब जुड़ते चले जा रहे हैं, बिल्कुल जुड़ते जा रहे हैं. एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे के इंटरेस्ट को ये हिफाजत दे रहे हैं, संभाल रहे हैं, महफूज रख रहे हैं. बिल्कुल. तो इसमें जब तक हम लोग सभी मिलकर इसको नहीं तोड़ेंगे, जिसको मैं कहता हूँ ये अभद्र युति है, इसको जो तोड़नी है वो कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर तोड़नी. लेकिन मुल्क में बिल्कुल सही बात. लेकिन मुझे एक जवाब पता है मेरे ही सवाल का. बिल्कुल पूछिए कि आखिर में इंसाफ कहाँ हो सकता है. ज़ैद खालिद साहब और सुधाकर जी, मैं आप सब लोगों को रोकते हुए यहाँ सबसे एक सवाल करना चाहता हूँ. बड़ी दिलचस्प बात आपके डिस्कशन से निकली है कि हमारे समाज में जो ये औरतों के खिलाफ खास तौर पर क्राइम है और आम तौर पर जो दूसरे क्राइम है, इन सब की जिम्मेदारी कहीं मजहब के मानने में तो नहीं है या मजहब से दूर जाने में तो नहीं. मैं जानना ये चाहता हूँ कि हम लोग मजहब को बहुत ज्यादा मानते हैं इसलिए तो क्रिमिनल नहीं है, या हम मजहब को बिल्कुल नहीं मानते इसलिए तो क्रिमिनल नहीं है. कोई सा भी मजहब हो, इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, या क्रिश्चियनिटी हो, या कोई सा भी. आप सबसे मैं एक छोटा छोटा रिएक्शन चाहता हूँ. शुरुआत आपसे करते हैं. इसमें बदलाव आ रहा है. जैसे पहले जो था मनुस्मृति, मनुस्मृति क्या था?
मनुस्मृति जैसे हमारा इंडियन पिनल कोड है वैसे कानून की किताब थी, उसमें सब दिया हुआ था कि किसने क्या किया तो उसको कितनी सजा देनी है, वो देनी है सब। और स्त्री को एक धन समझा जाता था, उसको बेचा खरीदा जा सकता था जो है। आज ये बदलाव आ रहा है, तो जो हमारे इसमें जो बुरी रूढ़ियाँ हैं उन रूढ़ियों को हमें सुधारना होगा। तो मेरी तो सबसे गुजारिश है कि हम लोग इंसान हैं, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और इंसानियत के लिए ज़रूरी है, वो बदलाव हम लोगों ने लाने चाहिए, उसका स्वीकार करना चाहिए। सराठा साहब, मेरा एक ताल्लुक से ये पर्सपेक्टिव है जी कि देखिए, चाहे कोई इंसान किसी भी बैकग्राउंड का क्यों ना हो, कहीं भी किसी भी घर में पैदा क्यों ना हो, वो इंसान दूसरे इंसान का एक ह्यूमन रिलेशन के एतबार से भाई है। बिल्कुल। और हम सबका मालिक तो एक ही है। बिल्कुल। और ऐसा तो नहीं है कि एक हिंदू को या क्रिश्चियन को एक अलग गॉड ने बनाया, हम सबका बनाने वाला एक ही मालिक है, तो हमारी जो फाइनल अंजाम भी है वही एक ही होगा। अब हमारे साथ तो ये होने वाला है, हकीकत ये है कि ये जो सारे इनजस्टिस हम सुनते हैं और इतनी सारी जिंदगियां, अब देखिए निर्भया का केस देख लीजिए, उसके साथ इंसाफ कहाँ है? हम ये कहते हैं कि अगर वो रेपिस्ट को मौत की सजा भी मिल जाए तो उसे जिंदगी तो फिर से नहीं मिल जाएगी निर्भया। बात यहाँ ये है कि ऐसे सारे केसेस के अंदर हमारे मरने के बाद एक जिंदगी है, और वो जिंदगी में जब जिंदा किया जाएगा एक इंसान को, तो तब जाकर एक ट्रू रिकम्पेंसेशन होगा, जहाँ एक अच्छे को अच्छे की बदला मिलेगा और बुरे को बुराई की सजा मिलेगी। जो आपने सवाल उठाया जी, उसमें सबसे अहम बात ये है कि आपको जो बुरी हालत है, पिछले जन्म में पाप किया था इसलिए आज बुरी हालत है। ये जो सोच है, ये सोच समय के साथ बदलनी चाहिए कि हम जो भी हैं, जो बनेंगे वो हमारे बलबूते पे भरेंगे, हमारे जो अच्छे काम हैं वही हमें जन्नत में ले जाने वाले हैं। ये नहीं कि हम किसी बड़े इंसान के यहाँ पैदा हुए तो हम जन्नत में पहुंच जाएंगे और किसी गरीब के यहाँ पैदा हुए तो नहीं। मैं भी आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि भाई कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई ताकत वाला है, कोई कमजोर है, तो ताकत भी एक इम्तिहान और आजमाइश है, कोई पिछले जन्म का कोई संबंध नहीं है। और गरीबी भी ऊपर वाला एक परीक्षा ले रहा है कि इंसान। नहीं, मेरा सवाल तो ये है वहाँ ये कि इसमें आप इंसान को लड़ने से रोक रहे हैं, प्रवृत्त कर रहे हैं कि वो लड़े ही ना, क्योंकि वो क्या सोचे कि आज जो कुछ है वो तो मेरा पिछले जन्म का पाप है, सजा है, वो भुगतनी है, मैं सजा भुगत रहा हूं, उसे अपने ऊंट को बांधना होगा। ये जो सोच है, इस सोच में बदलाव आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही जी। आपके तो सवाल ना, मेरा सवाल अगेन, अभी आप लोग आपस में डिस्कशन में आ गए, अगेन मेरा सवाल वही है कि क्या मजहब क्राइम बढ़ाता है या घटाता है? देखिए, मेरा तो मानना यह है कि कोई अगर एक इंसान और ह्यूमन सोसाइटी सुधर सकती ही नहीं है, अत्याचार, नाइंसाफी, जुल्म, ज्यादतियां फॉर्म बदल बदल के आती रहेगी जब तक एक इंसान का अपने क्रिएटर के साथ रिलेशन ना जुड़ जाए। जहां तक ये गैप रहेगा वहां तक ये जुल्म अलग अलग फॉर्म्स में आते रहेंगे। फाइनली बात यहाँ ये है कि अगर एक इंसान ये एहसास को दिल में लाए कि मेरा मालिक है जो हर चीज़ के ताल्लुक से अवेयर है, हर चीज़ उसी के कंट्रोल में है, भाई एक इंसान जुल्म कर सकता है, दुनिया में ज्यादती कर सकता है, रेप कर सकता है, मर्डर कर सकता है, लेकिन ये एक एग्जाम है, अच्छे काम भी कर सकता है, और वो एग्जाम का रिजल्ट तो आने वाला है, और वो रिजल्ट इतना बड़ा और इतना सिग्निफिकेंट है कि ये दुनिया कुछ नहीं लगेगी। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सही मुस्लिम की हदीस है, मत दुनिया फिल आखिरा, ये दुनिया आखिरत के सामने क्या है, सिवाय ये कि तुम में से कोई अपनी उंगली समंदर में डुबाए क्या लेकर आएगा। तो जो उंगली समंदर में डुबा रहा है ये दुनिया की जिंदगी है, और जो मरने के बाद की जिंदगी है वो समंदर है। अब यहाँ पे किसी के साथ रेप हो गया, यहाँ पे किसी ने जुल्म कर लिया, जो भी किया ये रियली मैटर नहीं करता है। जो रियली मैटर होता है वो है वो समंदर, और वो चीज़ के ताल्लुक से लोग ध्यान नहीं देते, और इसके बहुत बुरे रिजल्ट आने वाले, और यही चीज़ का एहसास जब तक एक सोसाइटी में नहीं जागेगा तब तक वो सोसाइटी रियल माने में अच्छी नहीं बन सकती। अच्छा, यहाँ मैं एक बड़ा कहना चाहूंगा जी कि इसमें जब ये हो जाए कि आपने जो भला बुरा किया है उसकी सजा आपको यहीं मिलनी है, ये माहौल बनना चाहिए कि आपने जो कुछ गलत काम किया है तो उसकी सजा वो बाद में क्या होना है उसके सोचने की जरूरत नहीं है। नहीं, थोड़ा सा जितना मैं जानता हूँ इस्लाम को, इस्लाम और दूसरे मजहबों की भी बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। इसमें एक ही कहूंगा कि हर मजहब चाहता है, हर मजहब ये चाहता है, खासतौर पे जो मैं इस्लाम को जानता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि इस्लाम सिर्फ इस बात का हामी नहीं है कि आप जो कर्म करते हैं उसका बदला वहाँ जाके मिलेगा। जो आपका सिविल सिस्टम इस्लाम हमको देता है उसमें बाकायदा बड़े अपडेटेड लॉज देता है, और मैंने पढ़ी, हाँ आपने पढ़ा, नेचुरली मैं नाज़रीन को बता रहा हूँ, तो बड़े अपडेटेड लॉ देता है। और मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कशन भी किया था और जैद साहब ने बताया भी था कि सजा का जो खौफ है वो सजा का खौफ मेरे ख्याल में दुनिया में आज कहीं भी प्रैक्टिस में है तो इस्लामिक कंट्रीज में ही है, जहाँ रेप करने के बाद आदमी को गाड़ के तमाम शहर से कहा जाता है इसको पत्थर मारो। अब वो पत्थर मारने वाला कब और कैसे दोबारा इस बात की कोशिश करेगा,
कि वो खुद भी रेप करे और वो खुद उसकी जगह आ जाए। लेकिन इससे हट के हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और मेरा अगला सवाल जैद भाई आपसे है। सवाल ये है कि ये जो डाउरी सिस्टम है, हम रेप से डाउरी सिस्टम की तरफ चलते हैं क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है वुमेन सेफ्टी। तो रेप के बाद जो सबसे ज़्यादा क्राइम औरतों के खिलाफ कहीं होता है हमारे समाज में, तो डाउरी सिस्टम पे होता है और आज भी होता है। आज हम 21वीं सदी में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ आज भी यह रस्म रिवाज है। मैं अपने घरों में देखता हूँ, अपने नेटिव प्लेस पे जाता हूँ, वहाँ लोगों में देखता हूँ, छोटे छोटे शहरों, छोटे छोटे गाँवों में देखता हूँ, वो लोग जो मालदार हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास दौलत है, जिनके घरों में सामान रखने की जगह नहीं है, वो भी अपने बेटे की शादी में अपनी बहू से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सामान लाए और वो उसको स्टोर में डाल के या गैरेज में डाल के सड़ा के खराब कर दें। तो ये वो कौन सी सोच है जो ये कराती है लोगों से कि लड़की वाले अगर अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं तो वो कमजोर है या वो जुर्माना है कुछ, या वो कुछ दो नंबर की मखलूक हैं, दूसरे नंबर के शहरी हैं, उन्हें ये करना ही है, ऐसा क्यों है? और आज तक हम देखते हैं कि लड़की जब मायके से ससुराल बाद में भी जाती है तो वो कुछ तोहफे लेके जाएगी, जबकि वो ससुराल से अपने घर जा रही है तो अपने बाप के लिए कुछ नहीं लेके जाती, अपनी माँ के लिए कुछ नहीं लेके जाती, लेकिन जब बाप के घर से मायके से ससुराल जाएगी तो वो मजबूर है, उसके बाप के पास पैसा हो या ना हो, उसके भाइयों के पास पैसा हो या ना हो, जरूरी है कुछ भी ना कर पाए तो कहीं से कर्जा लें, कहीं से उधार लें और अपनी बहन को एक गठरी बांध के दें तो उसकी ससुराल में इज्जत रहेगी, ऐसा क्यों है? देखिए, यहाँ तक है मामला कि NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक 8,391 डाउरी डेथ के केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए। बताइए अब कितने सारे केसेस अनरिपोर्टेड होते हैं, और ये तो डेथ है। मिसाल के तौर पर डेथ कब होती है जरा सोचें। मिसाल के तौर पर अगर ऐसा होता है कि किसी लड़के वालों ने लड़की वालों से डिमांड किया कि हमें ये चाहिए, उन्होंने डिमांड पूरा किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका एक बार लेकर डिमांड पूरा नहीं होता है, बार बार डिमांड्स आते हैं कि ये भी दो, अब ये लेकर आओ, अब वो लेकर आओ, और जो लड़कियां लेकर आती हैं वो मरती नहीं है डाउरी डेथ में। कौन मरती है? जो नहीं लेकर आई। अब उनमें बहुत सारी ऐसी हैं जिन्हें कोसा जाता है, जिन्हें गालियां दी जाती बार बार, वैसे जिंदगी हो जाती है, गुलाम बना दिया जाता है। लेकिन हर किसी का मर्डर नहीं होता, उसके आगे का स्टेज वो लोग हैं जिसके अंदर कुछ के साथ जुल्म ज्यादतियां होती है, मारा जाता है, पीटा जाता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन कुछ ही केसेस है जो मौत तक पहुंचेंगे, जिसके अंदर जला करके मार दिया जाए, ये है डाउरी डेथ के केसेस। और ऐसे 8,391 केसेस एक साल में रिपोर्ट हुए। अब यहाँ सवाल क्या है कि ये क्यों हो रहा है? तो क्यों हो रहा है, तो मेरा एक बिल्कुल अल्टरनेट आंसर है। रेगुलर आंसर्स जो लोग देते हैं, लोग बोलते हैं कि हमें करना चाहिए, बंद करो, ये सब नारेबाजियां बहुत होती है। ये रियल सोल्यूशन क्या है? देखिए, एक सोल्यूशन जो इस्लाम ने दिया है और जो रियल सोल्यूशन है और जो कन्फर्म वर्किंग है, जो गारंटीड रिजल्ट देगा किसी भी सोसाइटी में इंशाल्लाह, आप जरा गौर करें। देखिए, होता क्या है ना कि मेरा तो ये मानना है कि इंसानों को ऊपर वाले ने जब रहनुमाई दी तो बार बार पैगंबर और रसूल भेजे, कई मैसेंजर्स और रसूल आ चुके हैं, उसमें आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्हें कुरान दिया गया, इस्लाम सारे पैगंबरों का रिलीजन है। अब जो एस्पेक्ट्स जो सोसाइटी फॉलो करती है उसे वो एस्पेक्ट्स का खैर और बरकत तो जरूर मिल जाएगी। एक मिसाल देता हूँ, ये ग्लास है, अब ये ग्लास की कीमत क्या होगी? अप्रोक्सीमेट 100 रुपीज देख लेते हैं। अब मान लीजिए कि ये मॉडल का, ये जो पर्टिकुलर डिजाइन है, इसका डिमांड अगर बहुत बढ़ गया, बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ता है, तो क्या होगा? कीमत बढ़ जाएगी, 200 हो जाएगा, 250-300 हो जाएगी। अब देखिए कि जितनी औरतें हैं उतनी ही औरतें हैं, लेकिन अगर डिमांड जायज तरीके से बढ़े, नाजायज तरीकों से नहीं, जायज तरीके से डिमांड बढ़े, तो जब डिमांड बढ़ता है तो कीमत बढ़ जाती है। इस्लाम ने मर्दों को इजाजत दी कि अप टू 4 मैरिजेस कर सकते हैं, अप टू 4 इंसाफ कर सकते हो। तो सूरह फोस में दिया है कि अगर फइनखिफ्तुम अल्ला तअदिलु फवाहिदा, अगर तुम्हें डर है इंसाफ नहीं कर पाओगे तो सिर्फ एक। आयत की शुरुआत होती है कि इस निकाह करो, फनकिहु मा तौबा लकुम मिनन निसा मतना व सुलासा व रुबा, निकाह करो अपनी पसंद की औरतों से 2, 3 या 4, तो 4 की इजाजत भी है, इंसाफ कर सकते हो। तो अब यहाँ क्या है कि इंडिया में तकरीबन 4,60,00,000 विडोज एंड डिवोर्सेस है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 4,30,00,000 विडोज एंड डिवोर्सेस। सप्लाई की सिचुएशन आप जरा इमेजिन करिए। अगर मान लीजिए एक मर्द को इजाजत दे दी जाए कि आप एक से ज्यादा शादी कर सकते हो, पहले तो विडोज एंड डिवोर्सेस की शादियां हो जाएगी, लेकिन फिर भी डिमांड है। अब जब डिमांड हो और सप्लाई जितना है उतना ही है, तो आपने जैसा कहा कि प्राइस बढ़ जाएगा। अब जब प्राइस बढ़ेगा तो लड़के वाले कहेंगे कि हमें गाड़ी चाहिए, हमें बंगला चाहिए, फर्नीचर तुम्हारी तरफ से, तो लड़की के वाले कहेंगे नो प्रॉब्लम, तुम जाओ, क्योंकि डिमांड इतना है कि प्राइस ऑपोजिट हो जाएगा। आपको पता है कि गल्फ में, अरब कंट्रीज में, जब वहां पर ये टॉपिक आता है तो वहां के इस्लामिक स्पीकर्स को ये लेक्चर देना पड़ता है कि बहुत ज्यादा मेहर मत मांगो, क्योंकि इस्लाम ने तो उल्टा सिस्टम सिखाया है कि लड़के को ऑन मैरिज लड़की को गिफ्ट देना होगा, यानी कि जो डाउरी है अगर कहें तो लड़के को जैसे लड़की को देना है। तो वहां के इस्लामिक स्पीकर्स कहते हैं कि बहुत ज्यादा मत मांगो, क्योंकि होता क्या है कि लोग 1 करोड़ मांग रहे हैं, 50,00,000 मांग रहे हैं, मेरी बेटी से शादी करना है, 25,00,000 दोगे तो शादी होगी, मेरी बच्ची को ही देना है, उसका ही गिफ्ट है,
लड़का गिफ्ट देगा लड़की को, तो वहां के इस्लामिक स्कॉलर्स कहते हैं अरे इतना ज्यादा डाउरी मत मांगो। हम लोग ये नहीं कह सकते यहाँ, क्योंकि यहाँ तो ऑपोजिट बात चलती है। तो मेरा तो कहना है कि ये मैरिज सिस्टम जब तक हमारा जिस तरह से है ऐसा रहेगा, तो ये प्रॉब्लम्स का नेचुरल सोल्यूशन नहीं है। हाँ, बातें बहुत होती रहेंगी। मैं कहूंगा या मैं ये डिमांड और सप्लाई का जो इकोनॉमिक ग्रोथ दिया की बात नहीं है, ये इसमें एक बात अगर, क्योंकि मैंने कई केसेस खुद भी हैंडल किए, आपने बेसिकली हैंडल किया होगा। तो इसमें जब कोई महिला ये महसूस करती है कि वो बिल्कुल बेसहारा है, क्योंकि उसके माँ बाप भी जब उसको कोसते हैं कि तेरी गलती है, तेरी वजह से हमें होता है, तो ऐसे हालात जब होते हैं ना, तो उसमें सुसाइड ज़्यादा होता है। जहाँ माँ बाप, भाई, बहन, दोस्त उसके साथ खड़े होते हैं, वहाँ सुसाइड नहीं होता है। तो एक समझ लीजिए कि माहौल भी बदलना होगा, और ये बदल रहा है, ऐसी बात नहीं। अब तो भारत में महिलाओं के भी जहाँ अभी इम्बैलेंस हो गया है, तो जहाँ महिलाएँ कम है वहाँ पुरुष भी अभी डाउरी देने लगे हैं। कानून और इसके साथ बहुत से बदलाव आते हैं। जैसे आज डाउरी डेथ तो बहुत बुरी बात है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी हो रहा है कि उसका फायदा भी लिया जा रहा है, वो केसेस भी बढ़ रही हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट को फिर उसमें कहना पड़ा। तो हर चीज़ का सही इस्तेमाल होना चाहिए, हर चीज़ का सही इस्तेमाल होना चाहिए। पाशा भाई, क्योंकि आपका ताल्लुक मैं जानता हूँ मुरादाबाद से है, और मुरादाबाद का इलाका जो है और उसके आसपास बड़े डाउरी के केसेस सुनने में आते हैं और हुए हैं। जैद भाई ने पॉइंट आउट किया है कि ये इकोनॉमिक का डिमांड एंड सप्लाई का जो रूल है, लॉ ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसको स्पेसिफिकली कहते हैं जी, तो आप उसे कितना इत्तेफाक रखते हैं, और आपको क्या लगता है कि अगर ये जो बड़ी अच्छी बात मुझे तो अच्छी लग रही है कही जैद भाई ने कि अगर औरतें अपने आप को महसूस कर लें और औरतों के घर वाले लड़कियों के ये ना रहें इस भुलावे से निकल के आ जाए, अरे हमारी बेटी की शादी नहीं होगी, अरे उसका क्या होगा, चलो कोई भी देख के कर दो, कैसे भी पैसा दे दो, जहेज दे दो, ये सब कर दो, तो ऐसा कोई सोल्यूशन है नहीं? अभी चेंजेस आए हैं। मैं मुरादाबाद का ये केस आपको बताता चलूँ, जहाँ पर लड़के ने ये डिमांड की, शादी फिक्स हो गई, रिश्ता हो गया, डेट भी फिक्स हो गई, उसके बाद ये डिमांड आई कि भाई मुझे मारुति कार चाहिए या कोई दूसरी कार चाहिए। वहाँ लड़की को जब ये मालूम हुआ कि ये लड़की ग्रेजुएट है, उसके घर वालों ने उसको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वो अपना फैसला खुद ले सके, यहाँ रिश्ता तय हो गया घर वालों की मर्ज़ी से, उसके बाद सामने केस ही आया कि लड़के ने कहा कि उसको कार चाहिए, यहाँ लड़की ने खुद सामने से स्टेप लिया कि मुझे इस लड़के से शादी नहीं करनी, और वो रिश्ता टूट गया इस बुनियाद पर। तो अभी चेंज आ रहा है, लड़कियों में ये अवेयरनेस आई है कि वो खुद फैसले ले सके। राइट, बहुत अच्छी बात है। मैं सैल्यूट करूंगा उस लड़की को, यहाँ इस प्रोग्राम से बैठ के सैल्यूट करूंगा, और ऐसी तमाम लड़कियों को सैल्यूट करूंगा जो पढ़ाई लिखाई की रोशनी में इस तरह के फैसले खुद लेती है, और मर्दों के इस समाज में इस तरह मर्दों को सबक सिखाती है कि गेट आउट फ्रॉम आवर लाइफ। यहाँ बड़ा एक अहम सवाल जैद भाई मैं आपसे करना चाहूँगा, फोर्स मैरिज, इसका बड़ा डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो मुसलमानों से है, इसलिए कि मेरे नुक्ते नज़र से इस्लाम ने एक बड़ा अच्छा सिस्टम दिया है कि बिल्कुल शादी के एकदम पहले, बाकी पहले जो भी हुआ, शादी के एकदम पहले एक इम्पार्शियल मैन, एक काजी, एक पोस्ट होल्डर, एक दीनी आदमी आके लड़के से और लड़की दोनों से ये सवाल करता है कि क्या आपको ये शादी मंजूर है, और वो दोनों जब अपनी कंसेंट देते हैं तो शादी हो जाती है। लेकिन आम तौर पे देखने में ये आता है कि ये सब दिखावा है। अगर क्या किसी लड़की के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो वहाँ ना कर दे और उसकी उस ना को मान लिया जाए, जबकि मैं ये समझता हूँ कि मजहब ने ये क्लॉज रखा है इसलिए कि वो वहाँ हाँ या ना कुछ भी कर सके। जी, फैक्ट तो ये है कि इस्लाम ने ये इजाज़त दी ही नहीं है कि कोई लड़की को फोर्स करके निकाह करा दिया जाए। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हो चुका है कि एक लड़की की शादी फोर्सबली की गई। सही बुखारी में हदीस है खंसा रदिल्लाहु अन्हा की, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके कंप्लेन, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लड़की को ऑप्शन दिया कि तुम चाहो तो कंटिन्यू करो इस मैरिज में, नहीं तो ये मैरिज कैंसिल हो जाएगी, अनल हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि इस्लाम ने इजाज़त दी ही नहीं है कि कोई फादर अपनी बेटी की फोर्सबली शादी करें, लेकिन ऑन द अदर हैंड लड़की के साथ कंसल्टेशन में उसके फादर भी इन्वॉल्व है। हदीस है जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ला निकाह इल्ला बी वली, कि निकाह होता ही नहीं है यहाँ तक कि वो लड़की के जो वली है, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उनकी इजाज़त ना हो जाए। ताकि कई बार ऐसा होता है कि लड़की को बहला फुसला कर और कई सारी चीज़ों के अंदर फंसा कर उससे शादी कर ली जाए, और बाद में उसे एहसास हो तो वहाँ एक सीनियर पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो साथ में इन्वॉल्व होता है ताकि एक सही डिसीजन हो। लेकिन फोर्सिबल मैरिज की कोई गुंजाइश नहीं। यहाँ जैसे सुराटका साहब ने कहा कि लोगों को लॉ बताने की ज़रूरत है ताकि लॉ पता चले और ताकि रस्म बन के ना रह जाए, जैसे कि आपने कहा। तो सुधाकर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके टेन्योर में कभी कोई ऐसा केस आया, या आम तौर पे ऐसे केस आते हैं लड़की ऐसी डेयरिंग दिखाती हैं कि वो आके माँ बाप की मर्जी के खिलाफ पुलिस स्टेशनों में आएँ और बताएं कि हमारी ज़बरदस्ती शादी की गई है या की जा रही है? ऐसे किस्से आए हैं जहाँ की शादी होने से पहले ही, ज़बरदस्ती जहाँ शादी हो रही थी वहाँ लड़की लड़के दोनों आए और पुलिस वालों ने उन्हें पूरी मदद की। पूरी मदद ऐसे केसेस हुए हैं। तो
पुलिस के दो रोल हैं, पुलिस में सभी बुरे नहीं हैं, पुलिस में अच्छे लोग भी हैं, तो ऐसे काम में लोग मदद करते हैं, और जो ज़बरदस्ती करना चाहते हैं उसके माँ बाप के खिलाफ भी एक्शन हुई है कि जो माँ बाप बेटी को ज़बरदस्ती शादी कराना चाहते हैं, ऐसे किस्से आए हैं। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि अगर आप डायलॉग करें, लोगों से बात करें, खुलकर उनको समझ लें और अपनी बात उन्हें समझाएं, तो कई बार हल निकल आता है, निकल आता है। नाज़रीन, औरतों पे किए जाने वाले जुल्म में मेरे नज़दीक एक बड़ा जुल्म ये भी है कि कभी उन्हें माँ बाप की इज्जत का वास्ता देकर, कभी माँ के जान देने की धमकी देकर, बाप के जान देने की धमकी देकर उनकी मर्जी के खिलाफ अनचाहे लोगों से उनकी शादी करा दी जाती है। मैं ज़ैद भाई आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आपने अभी फरमाया कि इस्लाम ये कहता है कि वली यानी माँ बाप की मर्ज़ी या गार्जियन की मर्ज़ी शामिल रहे, और सुधाकर जी ने भी कहा कि डायलॉग हो, समझा जाए और समझाया जाए, तो इन दैट केस मैं जानना ये चाहता हूँ कि इस्लामी नुक्ता नज़र क्या है, अगर किसी बच्ची या बच्चे ने माँ बाप की मर्ज़ी के खिलाफ शादी की तो वो शादी वैलिड नहीं होती? देखिए, यहाँ माँ बाप नहीं है, यहाँ पे बाप है, और बाप नहीं तो बाप की गैर मौजूदगी में जो क्लोजेस्ट मेल रिलेटिव जो होगा वो होगा। और इस्लाम ने तो यही सिखाया, हदीस मैंने पढ़ी कि ला निकाह इल्ला बी वली, निकाह होता ही नहीं है जब तक वली की इजाज़त ना हो जाए, यानी जो गार्डियन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसकी इजाज़त ना हो तो निकाह नहीं होता। तो बहुत सारी ये जो लव मैरिजेस वगैरह जो आज के ज़माने में फ्लरिश कर रही है, और हम उस पूरे सिस्टम को क्वेश्चन कर रहे हैं जिस सिस्टम के आउटपुट और रिजल्ट निर्भया और ऐसे बहुत सारे केसेस भी हैं, ये भी उस चीज़ का एक रिजल्ट है, तो हम उस पूरे सिस्टम को क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं एक चाहता हूँ कि हम सब भी और जो नाज़रीन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो सब भी एक बिल्कुल जो बीटन ट्रैक है जो लोगों ने बता दिया यही सही है, हम कहते हैं कि उससे बाहर निकल के जरा सोचे तो सही कि क्या सही है। तो बात यहाँ ये है कि विमेन का रोल अलग है, मर्दों का रोल अलग है, और वो रोल में एक फादर का रोल है कि वो डिसीशन मेकिंग का हिस्सा है, और कोई लड़की अपने फादर की इजाजत के बगैर निकाह ना करे, हाँ अच्छे से समझा सकती है, बता सकती है। सामने तो ये बताया कि लव जो होगा वो लव आफ्टर मैरिज होगा, ये लव बिफोर वेडिंग का सिस्टम जो है ना, देखिए मैं आपको बताऊं, लोग कहते हैं कि आप लोग मोहब्बत के दुश्मन हैं, हम लोग मोहब्बत के दुश्मन नहीं हैं, हम लोग खिलवाड़ के दुश्मन हैं, जो खिलवाड़ होता है उसके दुश्मन हैं, लेकिन मोहब्बत की पूरी गुंजाइश है, भाई मोहब्बत करो अपनी बीवी से, लेकिन 10 से मोहब्बत कर रहे हैं और फिर 11वें से शादी हो रही है, ये सब जो प्रॉब्लम्स होते हैं सोसाइटी में इसका रिजल्ट क्या है? देखिए होता क्या है, मैं जो अट्रैक्शन की बात कर रहा था ना, एक कुर्सी और टेबल में एक जनरल अट्रैक्शन नहीं है, अब वो जो अट्रैक्शन जो एग्जिस्ट होता है, या तो वो अट्रैक्शन इजाजत के साथ पूरा होगा या तो अट्रैक्शन फोर्सिबली पूरा होगा, और फोर्सिबली यानी रेप इजाजत के साथ होगा तो उससे हम देखते हैं प्रीमैरिटल जो सेक्स जो कॉमन हो गया है आज वेस्टर्न सोसाइटी में, इतना कॉमन हो गया है कि यूके के पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट एमपीज ने किया, और ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट अवेलेबल है कि यूके के अंदर करंटली 47.5% बच्चे आउट ऑफ मैरिज हो रहे हैं, अमेरिका में तकरीबन 41% बच्चे आउट ऑफ मैरिज हो रहे हैं, तकरीबन 3,30,00,000 ऐसे घर हैं जिसके अंदर बच्चों की परवरिश करने वाली सिर्फ माँ है, हाँ क्योंकि बाप ने तो प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया, मैरिज करने में इतना कमिटमेंट था नहीं, क्योंकि लव बिफोर वेडिंग का जो ये सिस्टम जो बढ़ाया जा रहा है ना, ये बहुत कॉमन है लव मैरिजेस के चक्कर में, और बहुत सारे लव के पीछे जा रहे हैं, लव करो भाई, लव से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन शादी की बात करना, और शादी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल और सही प्रोसेस है, ये अच्छी सोसाइटी का रिजल्ट। तो ये 3,30,00,000 औरतें, उनके साथ क्या हो रहा है, वो अभी बाप का भी रोल अदा कर रही है, माँ का भी रोल अदा कर रही है, प्रेग्नेंट तो बाप नहीं होने वाला है, लड़का प्रेग्नेंट नहीं होने वाला है, जो कहते हैं वी बिलीव इन वुमेन्स राइट, तो क्या वो रियली बिलीव कर रहे हैं या ये एक्सप्लॉयटेशन है, सोचना पड़ेगा। यानी आपका कहने का मकसद ये जो लिव इन रिलेशनशिप काइंड ऑफ द थिंग जो है, जो लव मैरिजेस ये लव अफेयर के नाम में सामने आती है, इनफैक्ट ये भी औरतों में किए जाने वाला एक जुल्म है, जो जुल्म का टॉपिक आपका चल रहा है, जी जी जी, मैं उसी जुड़ा टॉपिक भी शामिल होना चाहिए मेरा तो मानना है, जी 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 जी, इसमें वुमेन सेफ्टी की जगह वो वुमेन इनसिक्योरिटी ज़्यादा पैदा हो रही है, मेरा ऐसा मानना है, बिकॉज कोई लड़की अगर लिविंग रिलेशनशिप में किसी लड़के के साथ साल दो साल अपनी मर्जी से रह रही है, उस कंडीशन में कई बार उसकी फैमिली उसको सपोर्ट नहीं करती है, फैमिली वाले चाहते हैं कि उसकी शादी हम करें, हमारी मर्जी से करें, अच्छा रिश्ता देख के करें, और वो इन सब के खिलाफ जाकर किसी के साथ एक लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है, और दो साल बाद उसी लड़के से उसके रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके वो माँ बाप जो उसको पहले सपोर्ट करना चाहते थे नहीं करेंगे, तो यहाँ पर सेफ्टी का एक और पॉइंट है कि अब वो सिक्योर नहीं है, उसकी सिक्योरिटी खुद उसने कम कर ली। यानी आप कहना ये चाहते हैं कि आज का यूथ लव प्यार मोहब्बत के नाम पर जिम्मेदारी से भागता है, कमिटमेंट से भागता है, और लम्हों की जाय में जीना चाहता है, और उसकी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठाने के लिए तैयार नहीं है, जिसके नतीजे में औरत का एक और एक्सप्लॉयटेशन होता है, एक और रास्ता खुल जाता है, औरत और उसकी आइंदा नस्ल उस एक्सप्लॉयटेशन को भुगतती है। बहरहाल बात लव मैरिजेस की निकली है, तो लव मैरिज के हवाले से मैं पाशा साहब आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, लव मैरिज के हवाले से हमारे समाज में एक और बहुत एक तरफा मोहब्बत जिसे कहते हैं और रोज़ बरोज़ केस आ रहे हैं,
एसेट थ्रोइंग है। कोई लड़का किसी लड़की से एक तरफा मोहब्बत करता है, वो लड़की उसको एक्सेप्ट नहीं करती है या उसे प्यार नहीं करती है या अच्छा नहीं लगता उसे, और वो किसी भी कमज़ोर लम्हे में आगे उसके ऊपर एसेट फेंक के चला जाता है और उसके साथ उसका कुछ नहीं होता। क्योंकि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपने इस तरह के बहुत सारे केसेस देखे होंगे। मैं उस मानसिकता को जानना चाहता हूँ, मैं उस सोच को जानना चाहता हूँ कि वो कौन सी सोच है जो इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाती है। प्यार मोहब्बत तो केयर का नाम है। अगर मैं किसी को प्यार करता हूँ तो उसे खुश देखना चाहता हूँ, अगर मैं किसी को प्यार करता हूँ तो उसको आबाद देखना चाहता हूँ। ये किस किस्म का प्यार है कि जो सिर्फ बर्बादी की तरफ ले जाता है, जहाँ एक मर्द एक औरत का चेहरा बिगाड़ देता है, उसकी ज़िंदगी बिगाड़ देता है, उसकी ज़िंदगी में आने वाली खुशियों को बर्बाद कर देता है और उसकी ज़िंदगी को मौत के दाहने पर ले जाकर खड़ा कर देता है। ये कौन सी सोच है और ये क्यों पनप रही है? देखिए, जैद भाई ने बड़ा अच्छा सवाल किया था कि शादी का होना उसमें मर्जी का शामिल होना। मेरा सवाल यहाँ यह है कि ये एक ऐसा जुनून है लोगों में, जिस तरह जब लड़की की मर्जी नहीं है उससे आप शादी नहीं कर सकते। शादी के बाद का प्यार जो जैद भाई ने बताया, शादी के बाद का प्यार, ये प्यार जो एक तरफा है, कई केसेस में ऐसी चीज़ें सामने आई जहाँ लड़की को पता ही नहीं है कि ये लड़का मुझसे प्यार करता है। अगर वो लड़की किसी दूसरे लड़के से मिलती है वो उसको तकलीफ होती है। ये ज़हनियत क्यों बनाएगी या ये क्यों बनी? पूरी सोसाइटी ही गड़बड़ है, उसके फाउंडेशन ही सिस्टम। मतलब जो लड़का ये सोच रहा है मैं प्यार करता हूँ, उसके साथ साथ उसके बैक ऑफ द माइंड में कहीं ये रखा है कि इसे मेरे बात माननी है, बिकॉज ये दूसरे नंबर की शायरी है, बैक नंबर की। प्यार तो बात की बात है, यहाँ पर सेग्रीगेशन जिसे समझ रहा है वो प्यार, मैंने इसीलिए कहा एक सेग्रीगेशन होना चाहिए। हाँ, जो ये एक मिक्स्ड अप सोसाइटी है ना, इसके बहुत सारे रिजल्ट्स बुरे आ रहे हैं। और रिजल्ट्स में से ये चीज है, जैसे मिसाल के तौर पर किसी को खाना बताओ, किसी जानवर को खाना बताओ, फिर ले आओ मत दो, फिर दिखाओ, फिर ले आओ, फिर ले आओ मत दिखाओ, दिखाओ 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 लेकिन खिलाओ नहीं, तो फिर फाइनल क्या रिजल्ट आएगा? एक टाइप की वाइल्डनेस पैदा होती है। और ये टाइप की वाइल्डनेस के बहुत सारे विक्टिम्स होते हैं, वो जो बच्चों की भी बात है, ये भी एक पूरे सिस्टम के विक्टिम वो बच्चे बन रहे हैं। हाँ, जिसको रोकने के बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम देखते हैं ये एसिड थ्रोइंग, ये सारी चीज़ें, ये क्या है? ये एक टाइप का लॉलेसनेस, एक टाइप की जो बात है फ्रस्ट्रेशन, और एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे इसके आउटशूट्स हैं। एक चीज़ है जो बहुत सारे बैड रिजल्ट्स थ्रो अप कर रही है और जो हमें देखना है। यानी इसमें ना जावेद साहब, मेरी अपनी राय ये है कि समझो कोई एक मुंबई में भी अभी वीटी पर एक केस हुआ था जिसमें एसिड फेंका गया था लड़की के ऊपर, इस तरह के विक्टिम को सख्त सजाएं दी जानी चाहिए ताकि दूसरा आदमी करने से पहले 10 बार इस बात को सोचे। कल्प्रिट जी, सुधाकर जी, ये जो एसिड के केसेस हैं बड़े खतरनाक मेरे नजदीक, तो ये रेप से ज्यादा खतरनाक है। रेप में कम से कम ऐसा होता है कि कुछ सारी जिंदगी बर्बाद, कुछ लड़कियां खामोश बैठ जाती है, कम से कम उनकी जिंदगी तो बच जाती है। ये जो एसिड के केसेस हैं, उनके चेहरे, उनकी जिंदगी, उनकी खुशियां सब बर्बाद हो जाती है। तो इस तरह की सोच को रोकने के लिए हमारा कानून और हमारी कानून को नाफिज करने वाले लोग क्या बाकायदा कोई कदम उठा रहे हैं, और क्या वो इफेक्टिव है अगर उठाए तो? मैं कहना चाहूँगा, शायद आप मुझसे सहमत ना हो, हमारे यहाँ जो एक फैमिली सिस्टम था, हम लोग अपने बड़ों की इज्जत करते थे, बड़े हम लोगों की केयर करते थे, जो एक रिश्ता बना रहता था। अब तो न्यूक्लियर फार्मिंग हो गई, लोगों में डायलॉग ही नहीं है। जो लड़का और लड़की हैं उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, ना तो उनके दोस्त सुनते हैं, ना उनके टीचर सुनते हैं, ना माँ बाप सुनते हैं। तो ये फैमिली में जो दूरी है, दूरी आ रही है, ये इसकी मेन वजह मुझे लगती है कि ये दूरी दूर होनी चाहिए। जैसे मेरी बेटी आके मुझसे कोई भी बात कहती थी, जैसे मेरी ग्रैंड डॉटर है, वो मुझसे सीधी पुलिस करप्शन की बात नहीं ली, तो बोलती आज वो आपने पैसे खाए थे क्या? नहीं नहीं, जो मैं कहना चाहता हूँ ये है कि अब जहाँ आपकी नज़दीकियाँ होंगी आपके बच्चों से, वहाँ ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक नाज़रीन, बड़ा अच्छा मैसेज यहाँ सुधाकर जी ने दिया, जो पुराने ज़मानों और नए ज़मानों के दरमियान मिसिंग है वो ये है कि जो फैमिली सिस्टम था, जहाँ घर के बड़े शाम के वक्त जब अपने अपने कारोबार, अपने ऑफिस, अपने स्कूल और अपने खेलों से बच्चे लौटते थे, सब एक टेबल पर बैठ के एक साथ चाय पीते थे, जहाँ लोग एक दो, मैंने ऐसा देखा है अपने घरों में देखा है कि सब एक साथ बैठते थे और बच्चे बड़ों को अपनी प्रॉब्लम बताते थे, बड़े बच्चों को अपने एक्सपीरियंसेस बताते थे, एंड फाइनली कहीं ना कहीं एक दूसरे से एक जुड़ाव पैदा होता था, वो मिसिंग है, जिसकी वजह से वो एसिड फेंकने वाला शायद अकेला पड़ जाता है, अपने जज्बों के साथ अकेला पड़ जाता है, उसे गलत और सही बताने वाला कोई नहीं है और वो इंतहाई गलत काम करता है। आइए हम सब लोग आज ये तहिया करें, ये तय करें कि अपने बच्चों को अपने आप से दूर नहीं होने देंगे। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं जैद भाई की तरफ आता हूँ। जैद भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो मॉब वायलेंस है, हम देखते हैं बहुत सारी खासकर इंटीरियर्स में, उड़ीसा से खबरें आती हैं और बंगाल से आती हैं और दूसरी स्टेट से, कि कहीं किसी औरत को डायन मान लिया गया, कहीं हमने ये देखा है कहीं जात बिरादरी के नाम पे किसी को पूरे गांव में घुमाया गया, किसी के कपड़े उतार दिए गए। तो ये जो मॉब वायलेंस है, ये औरतों के खिलाफ ही क्राइम क्यों करता है, और वो कौन सी सोच है जो लोगों को एक साथ इकट्ठा कर देती है और इकट्ठा करके गलत काम करने के लिए मजबूर करती है, और उन लोगों को उस तरसती तड़पती औरत पर तरस नहीं आता?
देखिए मैं समझता हूँ कि मॉब वायलेंस मर्दों के खिलाफ भी हो सकती है। अभी केस जो इन्होंने मेंशन किया कि पर्टिकुलर जगह पर किसी मर्द के खिलाफ एक मॉब ने जाके कुछ कर दिया, होते हैं। लेकिन अगर ऐसा केस किसी औरत के ताल्लुक से होगा तो कहा जाएगा ये औरत है इसलिए हो रहा है, और किसी मर्द के ताल्लुक से हो रहा है तो फिर ये कहा जाएगा कि दुश्मनी थी, ये मॉब जमा हो गया था उसके खिलाफ, ये पर्टिकुलर मैटर था। तो हम ये कहते हैं कि ये मॉब मेंटालिटी, जैसे सुराटकर साहब ने बिल्कुल कहा कि इसमें लोगों में एक अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि लॉ को अपने हाथ में लेकर इस तरह के काम बिल्कुल नहीं करे, चाहे उन्हें कुछ भी लगे, क्योंकि पब्लिक को लगने के लिए कुछ भी लग सकता है। पब्लिक को अगर लगने पे आए तो कुछ भी लगेगा कि ये औरत इस तरह से है, ये औरत फला है, कुछ भी है। और कुछ चीज़ें जो होती है, जैसे इस्लाम ने कहा वला तजस्सुसु, एक दूसरे पर जासूसी मत करो, और गुमान करना है तो एक अच्छा गुमान करना चाहिए, और जब तक कोई चीज़ इनोसेंट अंटिल प्रूविन गिल्टी, तो वो नॉट गिल्टी अंटिल। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, बहुत अच्छी आपने बात कही कि इस्लाम पे एक नुक्ता नज़र कहीं मैंने पढ़ा है, और मैं चाहता हूँ कि वो दुनिया के सामने आए कि अगर किसी मर्द को किसी औरत पे शक है तो वो शक अगर वो दुनिया के सामने लाए तो किस तरह से लाए, उसका क्या। यहाँ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो हम कहें कि औरतों के ऊपर ज्यादती है, वो ज्यादती में से एक बहुत बड़ी ज्यादती है कि किसी भी औरत के बारे में कुछ भी स्टेटमेंट कह दो ये औरत ऐसी है। अब जा रही हो वो शायद डॉक्टर के पास, अब देखकर कह रहे हैं पता नहीं कहाँ जा रही है, जरूर कुछ तो होगा। अब ये किसी को हक नहीं है, इस्लाम के अंदर रूल तो ये है, मैं आपको बता दूं कि अगर कोई मर्द किसी औरत के बारे में कह दे कि ये ऐसी ऐसी है, इसने ये किया है वो किया है, तो उसे 4 eyewitnesses लाना पड़ेगा, और 4 eyewitnesses नहीं ला सकते हैं तो कुरान की आयत है सूरह नूर की कि अगर नहीं लाता है तो उसे खुद पब्लिकली 80 lashes मारे जाएंगे कि उसने किसी औरत की पाक दामनी के ताल्लुक से, चेस्टिटी के ताल्लुक से ऐसा स्टेटमेंट किया कैसे। तो बिल्कुल इस्लाम ने औरतों के स्टेटस को बल्कि उनकी इज्जत को प्रोटेक्ट किया है, और ये एक चीज़ है जो हम देखते हैं। फाइनली बात यहाँ यही है कि यहाँ एक इंसान को ये चीज़ का एहसास हो कि मेरा क्रिएटर है जिसने मेरी रहनुमाई के लिए रास्ता भेजा है, और वो रास्ता बताने वाले पैगंबर जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सच्चे रसूल है, जिनकी ज़िंदगी पूरी सच्चाई का प्रूफ है, उनसे हम ये बात सीख सकते हैं, और उनकी ज़िंदगी से और कुरान से बात सीख सकते हैं। नाज़रीन, ये जो हमारा टॉपिक है वुमेन सेफ्टी और वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन, इतना वास्ट है कि इसके लिए 1 episode, 2 episode, 3 episode ये सब बहुत कम है। टॉपिक्स बहुत सारे रह गए हैं जो कवर होने थे, लाइक ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, लाइक चाइल्ड मोलेस्टेशन है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं, लेकिन वक्त कम है जैसा कि आप जानते हैं। और मैं आखिर में अपने तीनों मेहमानों से 30-30 seconds का एक रिएक्शन चाहूँगा, बल्कि हल चाहूँगा इस प्रॉब्लम का, औरतों के और लड़कियों और हमारी बच्चियों और हमारी माँ और हमारी बहनों के खिलाफ होने वाले इन मजालिम का आपकी निगाह में, आपके नज़रिए से क्या हल है। आप समाज के अहम हिस्सा हैं और समाज में सर्व करते हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप हमारे आवाम को, हमारे नाज़रीन को ऐसा क्या पैगाम देना चाहते हैं जिससे हमारे समाज में औरतों के खिलाफ होने वाले जुल्म पर रोक लगे। शुरुआत करते हैं सुधा। इसमें सबसे पहली बात तो जो है कि जुल्म होते हैं, इसका सबसे अहम जो कारण है वो ये है, अंधविश्वास, गलत तरह की जो सोच है, जो गलत तरह से सिखाया जाता है, उसका ये असर होता है। जैसे आप अगर देहातों में जाते हैं तो अक्सर औरतें क्यों जादू टोना करने वाली होती हैं, राइट राइट, तो उसके लिए साइकोलॉजिकल भी काफ़ी वजह हैं। जैसे जो महिलाओं को जो इज्जत मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, तो वो अपनी तरफ लोगों को आकर्षित करने के लिए भी कुछ करते हैं, तो उसमें काफ़ी ये है। तो इसमें एक ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों को सबको सीखना चाहिए कि इज्जत करना सीखो, दूसरों को भी इज्जत करो, और अपना वर्तन ऐसा रखो कि लोग आपकी इज्जत करें। क्या बात बादशाह साहब जी। सर, समाज में एक बड़े बदलाव की ज़रूरत है, और वो बदलाव तब आएगा जब हम अपनी सोच को बदलें, अपनी ज़हनियत को बदलें। हिंदुस्तान में शायद बहुत बहुत कम ऐसे घर होंगे जिस घर में बेटी नहीं है, जिस घर में माँ नहीं है, जिस घर में बहन नहीं है। जब हम अपनी बेटी, अपनी बहन और अपनी माँ को उसकी हिफाजत के एंगल से देखते हैं, उसको उसके प्रोटेक्शन के एंगल से देखते हैं, तो हमें सोसाइटी में भी उसी एंगल को पेश करना चाहिए, और ये बात रखनी चाहिए कि हमारी ज़हनियत को बदलने की सबसे बड़ी ज़रूरत है। ज़ैद खालिद पटेल साहब, आपका मेरा कहना है कि सारी ज़हनियतों को बदलने की कोशिशें तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक वो ज़हनियत ऊपर वाले के साथ कनेक्ट ना हो जाए, जब तक एक इंसान के अंदर ये एहसास ना हो कि मेरा मालिक है, उसका कंट्रोल है, और ये एहसास ना हो कि मरने के बाद ज़िंदगी है। अडोल्फ हिटलर ने कितने सारे लोगों को मारा, ऐसे बहुत सारे जालिम गुजरे हैं इंसानी हिस्ट्री में, अगर हम उन्हें ज़िंदा पकड़ भी लें तो क्या सज़ा दे देंगे। निर्भया के केस के अंदर जो रेपिस्ट है उन्हें पकड़ लिए, उनका अभी आ रहा है डॉक्यूमेंट्री जिनके ताल्लुक से, और क्या क्या बातें वो कह रहे हैं, अभी भी ज़िंदा है वो लोग। लेकिन हम ये कहते हैं कि इस चीज़ के ताल्लुक से एक एहसास हो कि इंसान को भुगतना पड़ेगा उसकी करतूत के कॉन्सिक्वेंस, जो काम किया है उसका रिजल्ट आएगा, चाहे दुनिया में भले ही वो बच गया, लेकिन ऊपर वाले से कोई बच के जा नहीं सकता। जिसने पहली बार बनाया वो फिर बनाएगा, पूरा पूरा इंसाफ होगा, अच्छों को अच्छे का बदला मिलेगा, बुरों को बुराई की सज़ा मिलेगी, इस बात में पूरा यकीन है। ऊपर वाला परफेक्ट है,
उसके अंदर कोई कमी नहीं, कोई नाइंसाफी भी नहीं होने देगा, किसी के साथ भी नहीं होने देगा। नाज़रीन, इस खूबसूरत प्रोग्राम के अख्तिताम पे मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये हमारी औरतें, ये हमारी बेटियाँ, ये हमारी बहुएँ, ये हमारी बहनें हमारी दौलत हैं। यकीन कीजिए, ये अपनी पैदाइश से लेकर अपनी मौत तक हमें सर्व करती हैं, कभी बेटी बनकर, कभी बहन बनकर, कभी माँ बनकर, कभी बीवी बनकर। आप यकीन कीजिए, दुनिया में कोई भी ग्रेट मर्द ऐसा नहीं गुजरा जिसकी माँ ग्रेट नहीं थी। तो खुदा के वास्ते मैं आपसे अपील करता हूँ कि अपनी इस दौलत की हिफाजत कीजिए, अपनी इस सर्व करने वाली कौम की हिफाजत कीजिए, इन्हें वो दीजिए जो इन्हें चाहिए। ये तो आपसे कुछ नहीं मांगती, आपको सर्व करती हैं ज़िंदगी भर, सिर्फ एक हिफाजत मांगती हैं, इनको हिफाजत दीजिए। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे भारत और एक ऐसे समाज का ख्वाब देखें जहाँ औरत की इज्जत की जाती हो, जहाँ औरत के जिस्म की इज्जत की जाती हो, जहाँ औरत की सोच की इज्जत की जाती हो। आइए इस ख्वाब पर किसी शायर के इन चार मिसरों के साथ मैं इस प्रोग्राम को ख़त्म करता हूँ कि ये इल्म का सौदा, ये किताबें, ये रिसाले एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए हैं। मानो तो बड़ी चीज़ है तहजीब बदन की, मानो तो बड़ी चीज़ है तहजीब बदन की, वरना ये बदन प्यास बुझाने के लिए। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।